परिवार की बात को शुरू करते हैं और ये भी हमारे सुख से जुड़ा हुआ है। इसको क्यों समझना है? क्योंकि मेरी जो बेसिक एस्पिरेशन है वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का मतलब ये है टू बी इन हार्मनी। और मेरा परिवार में जीना पहले से ही हो रहा है, तो अगर मेरे अंदर परिवार की क्लैरिटी होती है, रिश्तों की क्लैरिटी होती है, रिश्तों में फीलिंग्स की क्लैरिटी होती है, एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी होती है, उन एक्सपेक्टेशंस को और फीलिंग को फुलफिल कैसे करना है, अगर उसकी क्लैरिटी होती है, एक तो मैं खुद सुखी होता हूँ और मेरे साथ जीने वाले लोग भी सुखी होते रहते हैं। इसीलिए परिवार को समझना जरूरी है ना। ठीक से देखने जाए तो परिवार में हम 4, 5, 6, 8 जितने भी लोगों के साथ रहते हैं, ये ठीक से देखने जाए ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। इतने में बच्चा अगर तैयार हो जाए, फीलिंग्स को समझने के लिए तैयार हो जाए, रिलेशनशिप को समझ सके, रिश्तों के सुख को समझ सके, इतना काम अगर बच्चा परिवार में कर ले, फिर जीने जब जाएगा तो जीना तो एक बड़े परिवार में ही होता है। तो जो समाज को भी देखेंगे तो वो एक बड़ा परिवार है ना। परिवार समाज भी है, लेकिन क्या है वो परिवार का जो है एक्सटेंशन है। ठीक से देखेंगे तो परिवार में अगर जीना आ जाए तो फिर समाज में जीना भी आसान हो जाता है, और अगर परिवार में जीना ना आए तो समाज में भी हम बहुत अच्छा जी लेते हैं, ऐसा कई बार नहीं हो पाता है ना, या हो पाता है नहीं हो पाता, इसको जांच परख कर सकते हैं। तो परिवार को समझना भी एक जरूरी काम है, परिवार को समझना एक ट्रेनिंग की तरह है ताकि हम एक बड़े परिवार में जी सके। जैसे अगर अपने कॉलेज को देखें तो कॉलेज सिर्फ कॉलेज है, क्या चाहते हैं? कॉलेज सिर्फ कॉलेज रहे जहाँ से हम जो है अपना काम पूरा करके वापिस आ जाए, या कॉलेज भी परिवार ही हो? तो चाहते तो यही है कि कॉलेज भी एक परिवार भी हो, लेकिन आज क्या हालात हैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। तो परिवार वो जगह है जहाँ पे हम खुद भी सुखी होते रहते हैं और जिनके साथ हम जीते हैं वो भी सुखी होते रहते हैं हमारे जीने से, और उनके जीने से हम भी सुखी होते रहते हैं। तो अगर आज कॉलेज के स्टेटस को देखने जाएं तो वो परिवार है या वो कोई और बात है, इस सबको है ना पहचानने की जरूरत है। ये बात हमने पहले दिन एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी कि हम सब परिवार में जीना तो चाहते हैं, रिलेशनशिप में जीना तो चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जीने के लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो तो सही समझ है। अगर हमारे अंदर समझ होती है, अगर हमारे अंदर सही समझ होती है, तो हम रिश्तों को भी समझ पाते हैं, रिश्तों को निभा भी पाते हैं, है ना। और कॉरस्पॉन्डिंगली जो आज के दिन दुख है, दुख को देखने जाएं तो दुख ये नहीं है कि हमको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, दुख ये नहीं है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, दुख ये नहीं है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है या हमारे पास फिजिकल फैसिलिटी, दुख तो ये है कि जो परिवारों में एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पा रही। हमको लगता है कि ये हमको समझते नहीं है, उनको लगता है कि हम उनको नहीं समझते। बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये बताते हैं, कई बार कोई अफसर है बहुत बड़े, बाहर बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो दुनिया को तो इतना इतना बताते हैं, लेकिन जब परिवार में जाते हैं तो कई बार बच्चे नहीं सुनते, कई बार स्पाउस नहीं सुनते, है ना, या कई बार माँ बाप को उतना बच्चों को लेके एश्योरेंस नहीं होता, तो उनको ही लगता है कि पूरी दुनिया मान गई मुझको लेकिन ये नहीं माने, ये शिकायतें घर में बनी हुई हैं। इसी तरह से कई बार देखें तो वाइफ को भी लगता रहता है, इस परिवार के लिए मैंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया, इस परिवार के लिए मैंने अपनी इच्छाएं खत्म कर दी, इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी इच्छाएं मारी, अपना मायका छोड़ा, है ना, अपना करियर छोड़ा, अपनी एस्पिरेशंस को दबाया, लेकिन ये नहीं माने। तो बेसिकली क्या है, ये मुद्दा फिजिकल है या मुद्दा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का ही है, या जो लैक ऑफ फीलिंग है, लैक ऑफ फुलफिलमेंट है रिलेशनशिप में, ये बड़ा मुद्दा है। तो ठीक से देखने जाए आज तो जो मुद्दा ये है कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को नहीं समझ पा रहे, इस कारण से हमको कई बार अपने परिवार में थकान होती रहती है ना। तो चीखना चिल्लाना, है ना, डाउट करना, मन मुटाव होना, लड़ना झगड़ना, बहुत सारे परिवारों में ये बना रहता है। इसका बड़ा कारण क्या है, फिजिकल है या कहीं ना कहीं समझ की कमी है? तो ये बात ध्यान में आती है कि समझ की कमी है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जब तक हमको अपनी क्लैरिटी नहीं होती तब तक हम दूसरे को भी नहीं समझ पाते। तो अगर मैंने अपने आप को सेल्फ बॉडी के कोएग्जिस्टेंस में नहीं देखा, अगर मैंने अपने आप को एक सेल्फ नहीं देखा, अपने को मैंने बॉडी ही माना, तो फिर मैं दूसरे को भी बॉडी ही मानता हूँ। तो जब मैं अपने को भी बॉडी मानता हूँ तो दूसरे को भी बॉडी मानता हूँ, तो फिर जो मेरे जीने का प्रोग्राम निकलता है वो प्रोग्राम इतना ही निकलता है कि बिजली का बिल जमा हो जाए, खाना पीना टाइम पे हो जाए, है ना, सोना उठना जागना ठीक से हो जाए, तो जीने का प्रोग्राम भी फिजियो केमिकल हो जाता है। जबकि फिजियो केमिकल अगर सब अच्छा भी चल रहा हो लेकिन अगर रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस ना हो तो हम तृप्ति से जी नहीं पाते। तो अगर उदाहरण से समझने की कोशिश करें, दो भाई हैं, एक घर में बैठे हैं और या एक होटल में बैठे हैं 5 स्टार में, लेकिन खाना पीना सब अच्छा मिल रहा है, ब्लू स्टार का एसी भी चल रहा है,
लेकिन जिनके साथ वो दोनों बैठे हैं आपस में, उन आपस में दोनों के बीच में संबंध की फीलिंग नहीं है, तो क्या लगता है उस 5-स्टार होटल के एनवायरनमेंट को, उस खाने पीने को वो एंजॉय कर पाएंगे? तो वो नहीं एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए परिवार का मतलब मुख्य रूप में ये नहीं है कि हमारी फिजिकल ट्रांजेक्शन पूरी चलती रहे। परिवार का मतलब इतना है कि एक दूसरे के साथ जीने में हम सुखी भी होते रहे, एक दूसरे को ये महसूस भी होता रहे कि ये मेरे सुख के लिए काम कर रहे हैं। इतना अगर हो पाता है तब तो वो परिवार है, और अगर इतना हो ही ना रहा तो वो परिवार है या छत है, छत के नीचे रह रहे हैं या वाकई में जी रहे हैं, इसको समझने की बात है। तो अब ये बात समझ में आती है कि अगर ह्यूमन बीइंग को समझ लें एज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, तो ये फीलिंग वाले पार्ट को, ये रिलेशनशिप वाले पार्ट को भी हम ठीक ठीक समझ सकते हैं। अगर फीलिंग वाला पार्ट समझ में ना आए तो फिर हम रिलेशनशिप को भी नहीं समझ पाते। और अगर फिजिकल सारा पूरा भी होता रहे लेकिन अगर एक दूसरे के साथ ये फीलिंग के लेवल की तृप्ति ना मिले, तो वो हमको घर जो है वो सराय जैसा लगने लग जाता है। हमको ये लगने लग जाता है इससे अच्छा तो हमारा कॉलेज ही है, कम से कम वहाँ पे चपरासी तो सुनता है, कम से कम वहाँ पे स्टूडेंट तो सुनते हैं। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि फीलिंग प्रधान होगा घर या फिजिकल फैसिलिटी प्रधान हमारा जीना होगा, ये बात हमको समझनी जरूरी है। तो अगर इतनी बातें कुछ ध्यान में आ गई हो तो अब परिवार की चर्चा शुरू कर सकते हैं। और परिवार के बारे में बात करने से पहले कुछ मैं बेसिक बातें यहाँ पे रख देता हूँ, ये कंटेक्स्ट के साथ फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, और ध्यान देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख लेता हूँ, तो पहली बात यह है कि रिलेशनशिप है, एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, फिर करते हैं इसको, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बनानी नहीं है, रिलेशनशिप को पहचानना है। अभी क्या मानते हैं कि रिलेशनशिप को डेवलप करना है, ये डेवलप करना है या रिकॉग्नाइज करना है? तो रिलेशनशिप पहले से है, बनाना नहीं है, है ना। और वो भी बॉडी से बॉडी का रिलेशन है या रिलेशन तो सेल्फ का सेल्फ के साथ है, ये बात को समझना जरूरी है कि रिलेशनशिप का आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप का रिकॉग्निशन कौन करता है, बॉडी करती है या सेल्फ करता है? ये पहचान कहाँ होती है, बॉडी में होती है या सेल्फ में होती है? तो ये बात समझ में आ सकती है कि रिलेशनशिप का आइडेंटिफिकेशन तो सेल्फ में होता है ना। और सेल्फ जो है, अगर बॉडी से पहचान होगी तो हम कुछ लोगों के साथ ही जुड़ेंगे, लेकिन ठीक से देखें हम पूरी दुनिया के साथ ही कई बार अगर एक्सप्लोर करें तो हम जुड़े हुए हैं, हम ये महसूस कर पाते हैं। और यही कारण है जब अमेरिका में या अफगान में या, है ना, ईरान में बम गिरता है तो उसका दुख हमको होता है। तो अगर किसी दूसरे देश में 100, 50, 200 लोग मरते हैं तो उसका दुख हमें होता है। क्यों दुख होता है? हमने तो उन लोगों को देखा भी नहीं है, हमने तो उन लोगों को कभी जो है उनके बारे में तो कुछ पता भी नहीं है, तो दुख क्यों होता है? दुख इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है, वो पोल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, बट पोल अभी शुरू करेंगे, मैं भी कुछ बातें रख लेता हूँ। दुख इस बात का होता है कि कहीं ना कहीं तो हम, हमारा आपस में जुड़ाव है, भले ही हम इस जुड़ाव को समझें या ना समझें। तो रिलेशनशिप एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ है। उसके बाद देखें तो रिलेशनशिप में फीलिंग्स हैं, फीलिंग है या नहीं है एक चेक कर लीजिए, ये फीलिंग बॉडी में होती है या सेल्फ में होती है? तो ये बात ध्यान में आती है कि रिलेशनशिप जो है ये तो सेल्फ में होती है, फीलिंग जो है ये सेल्फ में होती है, और ये भी एक सेल्फ में होती है दूसरे सेल्फ के लिए। तो पहली बात तो ये है कि रिलेशनशिप पहले से ही है, बनाना नहीं है, उसको समझना है, उसको पहचानना है। ठीक से देखेंगे तो रिलेशनशिप का फुलफिलमेंट भी वही होता है जहाँ पे रिलेशनशिप की पहचान हो जाती है। जहाँ रिलेशनशिप की पहचान भी नहीं होती तो वहां रिलेशनशिप का फुलफिलमेंट भी नहीं हो पाता। जैसे दो भाई हैं घर में, देखिए अगर आप भाई बहन है या भाई भाई हैं, इनकी आपस में नहीं बनती, बट दोनों के 50, 50, 100, 100 दोस्त होते हैं, है ना। और दोस्तों के साथ 100, 100 दोस्त, दोस्तों के साथ ये जीते रहते हैं और सोशल मीडिया पे नेटवर्क में हजारों लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं, लेकिन अपने भाई से नहीं बनती। अपनी भाई और बहन को वो बच्चा एक आंख से देखने को भी तैयार नहीं होता, लेकिन इतने इतने दोनों के रिश्ते होते हैं। तो बॉडी का रिलेशन होता तो फिर पहले भाई के साथ बनती, लेकिन क्योंकि रिश्ता सेल्फ का सेल्फ के साथ है, तो जिसके साथ रिलेशनशिप का पहचान हो जाती है उसी के साथ फुलफिल हो जाता है। जिसके साथ रिलेशनशिप का पहचान नहीं होता उसी के साथ फुलफिल नहीं हो पाता, भले ही वो अपने घर पे क्यों ना हो। अगर दूसरे एग्जाम्पल से देखें, आप ट्रेन में जा रहे हैं और जिस बर्थ पे बैठे हैं, तो स्लीपर बर्थ में 3 लोग बैठे हैं मान लीजिए, और कोई एक व्यक्ति आए, कोई एक आदमी आए, वो बोले कि साहब मुझे थोड़ी आगे तक जाना है तो मुझे एक सीट दे दीजिए, तो आप बोले नहीं, हम तो पहले ही 3 बैठे हैं, आप कहाँ जगह दिखाई दे रही है आपको, तो आप आगे चले जाइए और हम काफी तंग होके बैठे हैं, तो उस आदमी को आगे भेज देते हैं। लेकिन ठीक 15-20 मिनट बाद एक कोई दूसरा आदमी आता है,
और वो हम तीनों में से किसी एक आदमी का बहुत गहरा दोस्त होता है। तो जैसे ही उस दोस्त को मिलते हैं, देखते हैं और खुश हो जाते हैं और फटाफट बोलते हैं आओ आओ बैठो, तो तीन की जगह पे चार लोग बैठ जाते हैं। तो जगह होती, अगर फिजियोकेमिकल ही होता तो जगह तो पहले भी नहीं थी, है ना, तो जगह अभी भी नहीं होना चाहिए थी। लेकिन अब जगह क्यों बन जाई, क्यों बन गई, क्योंकि अब रिलेशन का आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये रिलेशन का जहां पे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है ना, फुलफिलमेंट भी वहीं होता है। तो ये सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन है, बॉडी का बॉडी से है, इसको आप चेक कीजिए। तो यहाँ पे एक पोल ले लेते हैं, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन के लिए हम अपने से समझने की कोशिश करते हैं, ये सेल्फ का मुद्दा है या ये बॉडी का मुद्दा है। तो ये रिलेशन जो है ये सेल्फ का सेल्फ से है या बॉडी का बॉडी से है, इस बात को समझने का एफर्ट किया जाए। रिश्ता की पहचान होती है वो एक सेल्फ करता है दूसरे के सेल्फ के साथ, या बॉडी से रिश्ते की पहचान होती है। भैया आवाज, अभी तो भैया मैं थोड़ा बोल नहीं रहा था जी, मेरी आवाज आ रही है आलोक भैया? हेलो आ रही भैया, आ रही है जी। तो ये रिफ्लेक्शन का एक वो आ रहा है, हम उस डाटा में नहीं जाते हैं, वो 139% और 3% आ गया, बट मुद्दा इतना ही है कि मेजोरिटी ये देख पा रही है कि जो रिश्ता है वो तो सेल्फ का सेल्फ के साथ है ना, बाकी वो परसेंटेज में नहीं जाए, है ना। वो एक अगर फीलिंग हमको कैप्चर हो जाए, वो फीलिंग को समझना इम्पोर्टेंट है ना। बेसिकली वो पोल करके कुछ वोटिंग करा के कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते, इतना ही मुद्दा है कि जो जितने भी क्वेश्चन है ये हमारे अपने ऑब्जर्वेशन के लिए हैं कि हम क्या मानते हैं सेल्फ के साथ सेल्फ का रिश्ता होता है या बॉडी के साथ, इस बात को ना एक्सप्लोर करने के लिए ये है ना रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं, है ना। तो परसेंटेज में अगर हम ना जाएं तो ठीक से देखें, तो इन फीलिंग को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते, तो फीलिंग को पहचान सकते हैं और ये डेफिनेट है और ये नंबर में भी नो है। लेकिन आज के दिन ये मानते हैं कब कोई, तुम किसी पे भरोसा मत करा करो, कब कोई क्या एक्सपेक्ट कर ले पता ही नहीं चलता, तो कोई कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेता है ऐसा नहीं है। ये जो नो फीलिंग्स हैं, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जो रिलेशनशिप में फीलिंग्स हैं, ये डेफिनेट है और ये डेफिनेट भी ये नो है नंबर में। तो विश्वास, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड और लव, तो ये नौ फीलिंग्स की ही रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और ये फीलिंग की एक्सपेक्टेशन भी एक सेल्फ में होती हैं दूसरे सेल्फ के लिए। तो जो विश्वास है उसको कहा गया है फाउंडेशन वैल्यू, ये एक आधार है। किसी भी रिश्ते का आधार देखने जाए तो वो क्या है, विश्वास है। तो अगर विश्वास होता है तो बाकी फीलिंग्स में जीने का काम हो पाता है, लेकिन अगर रिलेशनशिप में विश्वास ही ना हो तो फिर जीने का काम नहीं हो पाता। तो विश्वास से रिलेशनशिप की शुरुआत है और लव में जाके रिश्ते की पूर्णता है, रिश्ते की कंप्लीटनेस है। तो इसलिए विश्वास को कहा गया है फाउंडेशन वैल्यू और लव को कहा गया कंप्लीट वैल्यू। यहाँ पे जाके रिलेशनशिप की कंप्लीटनेस है, रिलेशनशिप की पूर्णता है। तो इससे इस सारे को एक एक करके समझने का काम करेंगे। तो ये जो बात कह रहे हैं कि इन फीलिंग्स को पहचाना जा सकता है, तो कोई कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेता ऐसा नहीं है। किसी भी रिलेशन में अगर एक्सपेक्टेशंस को देखने जाएंगे तो ये फीलिंग्स की ही एक्सपेक्टेशन है, ये विश्वास की एक्सपेक्टेशन है, ये सम्मान की एक्सपेक्टेशन है, ये अफेक्शन, केयर, गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन है। इन एक्सपेक्टेशंस को अभी हम समझने का काम करेंगे ना। सो अभी आपको क्या लगता है, कैन वी टॉक अबाउट द फीलिंग्स विद डेफिनेटनेस? सो यस वी आर डेफिनेट, दे आर डेफिनेट, दे कैन बी डिस्कस्ड विद डेफिनेट्स। नो, फीलिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट बी डिस्कस्ड विद डेफिनेटनेस। इसको भी समझने का प्रयास किया जाए, इसको भी देखें कि क्या हम फीलिंग्स को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, है ना। इसके बारे में आप देखिए कि आपको अभी क्या लग रहा है कि इनको समझा जा सकता है या नहीं समझा जा सकता, और डेफिनेटनेस के साथ समझा जा सकता नहीं जैसे। अगर आज के दिन रिलेशनशिप को देखने जाएं तो रिलेशनशिप को समझना जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। कई बार वही एक आदमी एक परिवार में 20 साल तक भी कई बार हमको समझ में नहीं आता, है ना, और हमको ये लगता रहता है कि कहाँ से आ गया आदमी, ऐसे हालात हो जाते हैं। तो मुद्दा क्या है, फीलिंग को समझा ही नहीं जा सकता, रिलेशन को समझा ही नहीं जा सकता, या फिर समझा जा सकता है लेकिन हमारे पास उस तरह का एक्सप्लोरेशन, उस तरह का कंटेंट या प्रपोजल ध्यान में नहीं आते कई बार, तो नहीं समझा, तो फिर ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को नहीं समझ सकते।
तो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे इसको कि हम इसको समझ सकते हैं नहीं समझ सकते। तो काफी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि समझा तो जा सकता है ना, और डेफिनेटनेस के साथ समझा जा सकता है। इसके बाद अगर देखने जाए तो जब हम इन फीलिंग्स को समझते हैं तो क्या लगता है, ये फीलिंग को जब हम समझेंगे तो उससे और इनको जिएंगे तो उससे हम सुखी होंगे या नहीं होंगे? तो जब हम इन फीलिंग्स को समझेंगे और जिएंगे तो हम सुखी होंगे। जब हम इन फीलिंग का फुलफिलमेंट करेंगे, दूसरे के साथ इसको शेयरिंग करेंगे, और जब दूसरा इसको इवैल्यूएट कर पाएगा कि हाँ इनकी तरफ से भी विश्वास का निर्वाह हुआ, इनकी तरफ से भी रिस्पेक्ट को फुलफिल किया गया, तो दूसरा भी सुखी होगा नहीं होगा? तो दूसरा भी सुखी होगा। तो डेफिनेटनेस के साथ समझ सकते हैं इसको, अभी देखते हैं धीरे धीरे। तो चौथी बात ये लिखी है कि इन फीलिंग्स को जब हम समझते हैं और इनको पूरा करते हैं, रिलेशन में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम सुखी होते हैं। और जब इन फीलिंग को दूसरा इवैल्यूएट कर पाता है और ये देख पाता है कि इस पर्सन ए ने मेरे साथ रिलेशनशिप की फीलिंग का फुलफिलमेंट किया, ट्रस्ट का फुलफिलमेंट किया, रिस्पेक्ट का फुलफिलमेंट किया, तो उससे वो दूसरा भी सुखी होता है। तो क्या है, इससे फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस हो सकता है। तो चार बातें हैं, रिश्ता है सेल्फ का सेल्फ के साथ, और इस रिश्ते में फीलिंग्स हैं एक सेल्फ की दूसरे सेल्फ के साथ, इनको हम पहचान सकते हैं, ये डेफिनेट है, ये नो है नंबर्स में, और जब हम इनको समझते हैं और फुलफिल करते हैं तो उससे हम भी सुखी होते हैं और उससे दूसरा भी सुखी होता है। अब एक एक करके जो है हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, ट्रस्ट का मतलब क्या है, अफेक्शन केयर गाइडेंस का मतलब क्या है। अब अभी आप एक बात अगर अपने आप से पूछें कि आपको रिलेशनशिप में नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है, फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, रिस्पेक्ट एक्सेप्टेबल है या डिसरिस्पेक्ट, अफेक्शन या जेलसी, केयर या एक्सप्लॉयटेशन, दूसरे की केयर कर पाए, केयर की फीलिंग हो, या दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करें, गाइडेंस चाहते हैं या मिस गाइडेंस चाहते हैं, अपने बच्चों को ठीक से गाइड कर सकें इस कॉम्पिटेंस को चाहते हैं, या बच्चे मिसगाइड भी होते हैं तब भी ठीक है, रेवरेंस चाहते हैं या इरेवरेंस चाहते हैं, ग्लोरी चाहते हैं या इनग्लोरियंस, ग्रेटिट्यूड चाहते हैं या इनग्रेटिट्यूड, लव चाहते हैं या हेटरेड। तो ठीक से देखेंगे जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो तो ट्रस्ट रिस्पेक्ट अफेक्शन है ना, इन सब फीलिंग्स की है। लेकिन आज के दिन हमारा जीना कैसे हो रहा है, तो जीने को देखने जाएं तो कभी ट्रस्ट के साथ जीते हैं, कभी मिसट्रस्ट के साथ, कभी रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है, कभी डिसरिस्पेक्ट की, कभी अफेक्शन होती है, कभी जेलसी है ना। तो अभी तो मिक्सोपैथी है, कभी केयर की फीलिंग है, कभी एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है हमारी तरफ से है ना, या दूसरे की तरफ से हमारा हो जाता है, या हमारी तरफ से दूसरे का हो जाता है, या नहीं भी होता तो कम से कम ये देखें कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है, है ना। तो अब हम लोग एक एक करके इन फीलिंग्स को समझने का काम करेंगे, नौ फीलिंग्स पे बात करेंगे, परिवार में हार्मनी पे बात कर रहे हैं, और सेल्फ का रिश्ता सेल्फ से है इसको समझने का एफर्ट कर रहे हैं। तो जो फाउंडेशन वैल्यू है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रस्ट को अगर समझने जाएं तो ट्रस्ट का मतलब है टू बी एश्योर्ड, आश्वस्त होना। आश्वस्त होने का क्या मतलब है, तो ट्रस्ट का मतलब क्या है अगर इसको देखने जाएं तो ट्रस्ट का मतलब है टू हैव द क्लैरिटी दैट द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। अब जब हम ट्रस्ट को समझने का काम कर रहे हैं तो इसको हम डिटेल में समझने का एफर्ट करेंगे। और आप अपने माइंड में किसी एक पर्सन को रखिए, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर स्पाउस, योर पेरेंट, योर चिल्ड्रन, योर बॉस, योर कोलीग्स, योर स्टूडेंट्स, इट कुड बी एनीवन। उसके साथ आपको ट्रस्ट समझ में आया है या नहीं आया, आप इसकी जांच परख कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने माइंड में किसी एक पर्सन को बिठा लीजिए, एक कोई रख लीजिए, या फिर अगर आपके साथ कोई आपका फैमिली मेंबर बैठे हैं उनके साथ आपको विश्वास समझ में आया है नहीं आया, तो आप उसके साथ इस बात का एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं इस ऑनलाइन वर्कशॉप में। या तो वो आपके साथ बैठे हैं, आपके बच्चे, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं। अगर साथ में नहीं बैठे, आप अकेले बैठे हैं, तो आप अपने माइंड में किसी एक पर्सन को रख लीजिए, वो कोई भी हो सकते हैं, और फिर विश्वास समझ में आया है उनके साथ नहीं आया, इस बात को हम लोग अभी समझने का एफर्ट करते हैं। तो ट्रस्ट का मतलब है टू हैव दी क्लैरिटी दैट दी अदर वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, है ना। तो क्या लगता है, दूसरा मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में है? ऐसा एहसास होना, ऐसा विश्वास होना, ऐसा भरोसा बनना कि दूसरा मेरा सुख चाहता है, दूसरा मेरी समृद्धि चाहता है, मेरे और सुख और समृद्धि की कंटिन्यूटी चाहता है। जब ये भरोसा बनता है तब मुझे विश्वास हुआ। तो एक तो मुद्दा ये है कि विश्वास है क्या, जो इस सेशन में हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे, एक मुद्दा ये है कि विश्वास है क्या। दूसरा मुद्दा ये है कि विश्वास सभी पे होगा या कुछ लोगों पे होगा और कुछ लोगों पे नहीं होगा। तो क्या लगता है, विश्वास सभी पे होगा या कुछ लोगों पे होगा, कुछ लोगों पे नहीं होगा? तो दोनों तरह के आंसर आते हैं, कुछ लोगों पे होगा, कुछ लोगों पे नहीं होगा।
कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अपने परिवार वालों पे होगा, बाहर वालों पे हमको क्या पता। कुछ लोगों को अपने परिवार वालों पे भी नहीं होता विश्वास। तो दूसरा क्वेश्चन हम इस सेशन में एक्सप्लोर करेंगे कि विश्वास सभी के लिए होगा या कुछ लोगों के लिए होगा और कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। एक और इस बात को एक्सप्लोर करना जरूरी है कि विश्वास जो होगा वो कंडीशनल होगा या अनकंडीशनल होगा। जैसे अगर किसी ने मुझे 100 रुपए दिए उधार, अगर मैंने टाइम पे लौटा दिए तब तो उसको मेरे ऊपर विश्वास है, और अगर मैंने नहीं लौटाए तो क्या विश्वास है? तब विश्वास होगा, है ना? तो ये समझना जरूरी है। तो अगर मैंने अपने परिवार में किसी के लिए कुछ काम कर दिया तो विश्वास होगा। तो अगर किसी की कुछ एक्सपेक्टेशन थी, अगर मैंने उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दिया या उसने मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दिया, तब तो मुझे उसके ऊपर विश्वास होगा। और अगर उसने मेरी एक्सपेक्टेशन को डिफीट कर दिया तो फिर क्या मुझे उस पर विश्वास होगा? तो इस सेशन में हम 3 मुद्दे एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहला ये कि विश्वास क्या है, दूसरा ये कि विश्वास जब भी होगा वो सभी के लिए होगा या कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तीसरा मुद्दा, विश्वास जो होगा वो कंडीशनल होगा, शर्तों के आधार पर विश्वास होगा या अनकंडीशनल होगा। तो इनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पहले को हम समझने की बात कर रहे हैं। तो पहले का मतलब इतना है कि जब ये भरोसा बनता है मुझे कि दूसरा मेरा सुख चाहता है, दूसरा मेरी प्रोस्पेरिटी चाहता है, तब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे विश्वास है। तो अब आप जिस पर्सन को भी आपने अपने माइंड में रखा या अगर आपके साथ बैठ गए और आप विश्वास को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स बेसिकली आपने अपने अंदर एक्सप्लोर करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको ही देने हैं और दूसरे के रिस्पेक्ट में आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन अभी मैं पूछने जा रहा हूँ, पहले मैं पूछ लेता हूँ फिर हम रिफ्लेक्शन लेंगे। तो 4 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में, है ना? तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब दूसरे जिसके साथ आपने या तो माइंड में रखा हुआ है, जिसके साथ आप ट्रस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके साथ ये देखिए पहले बार का आपके लिए आंसर क्या है। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, यस या नो, इसको आप अपने अंदर देखिए। फिर दूसरे को देखिए, आई वॉन्ट टू मेक दी अदर हैप्पी, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, इसको देखिए। फिर एक ये बात देखिए कि क्या दूसरा सुखी होना चाहता है, जैसे आप सुखी होना चाहते हैं दूसरा सुखी होना चाहता है, इसको देखिए। फिर ये देखिए कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने पूछे हैं आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में। तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कीजिए इन 4 क्वेश्चन के ऊपर और अपने अंदर देखिए, और 4 का क्वेश्चन आप यहाँ पे भी जो है भरने की कोशिश कीजिए कि यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी ऑलवेज और नो। So, पहला लिखा है आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी ऑलवेज, येस और नो। तो ये आप अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या मैं अपने आप को हमेशा सुखी करना चाहता हूँ? तो क्या मैं अपने आप को हमेशा सुखी करना चाहता हूँ, येस नो या कांड से? तो कांड से भी कह सकते हैं हम, लेकिन आप क्या अपने अंदर सीधा सीधा देख पाते, नहीं देख पाते कि आप अपने को सुखी करना चाहते हैं, है ना? फिर दूसरा, क्या मैं दूसरे को हमेशा सुखी करना चाहता हूँ? So I want to make the other happy always. तो दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, नहीं चाहता? आप इसको भी देखिए क्या लगता है, करना चाहते हैं दूसरे को सुखी, नहीं करना चाहते? ये उसके बारे में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, या तो वो आपके माइंड में है या वो आपके साथ में बैठे हुए हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके HOD हो सकते हैं, आपके कॉलेज के डायरेक्टर हो सकते हैं, है ना? आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। क्या आप दूसरे को सुखी करना चाहते हैं? फिर तीसरा क्वेश्चन है, the other wants to make herself or himself happy always. तो दूसरा अपने आप को सुखी करना चाहता है या चाहती है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप उसको भी भर के देखिए। फिर एक क्वेश्चन और लिखा है कि दूसरा मुझे हमेशा सुखी करना चाहता है, चाहने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? तो दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, तो इसको आप एकदम तसल्ली से, इत्मीनान से भरने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन भरने से ज्यादा आप अपने लिए रिफ्लेक्ट करके देख रहे हैं इन 4 के बारे में आप मानते क्या हैं, आपकी फीलिंग क्या है इन 4 क्वेश्चन को लेके, ठीक है? तो मैं टाइम थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, आप इनको भरिए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, अब आपको उसको आराम से भर सकते हैं।
ठीक बात है। तो ये सब आपकी स्क्रीन पे आ गए, तो मैं अपने आप को सुखी करना चाहता हूँ, तो शत प्रतिशत लोग कह पा रहे हैं कि मैं करना चाहता हूँ। क्या मैं दूसरे को करना चाहता हूँ? तो दूसरे को भी करना चाहता हूँ। क्या दूसरा सुखी होना चाह रहा है? अब थोड़ा कम हो गया, तो ठीक से देखें। तो पहले का आंसर आया यस, हम सुखी होना चाहते हैं, फिर हम सुखी करना चाहते हैं तो वो थोड़ा है, कम हो गया। और फिर देखें दूसरा सुखी होना चाहता है तो वो और कम हो गया। फिर अगर हम चौथे को देखें, क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है? तो फिर कांड से वाला बहुत बढ़ गया है ना, और यस वाला नो वाला तो मिक्स आ गया। अब यही हम स्क्रीन पे पूछ रहे हैं, क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ? तो पहले का आंसर मेजोरिटी जो कह रही है उसको लिखा है, बट आपको अगर लगता है अदरवाइज है तो आप जो है अपनी कॉपी पे ही उसको ठीक कर लीजिए। तो पहले का आंसर है आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, तो यस। आई वॉन्ट टू मेक दी अदर हैप्पी, तो मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। दी अदर वॉन्ट्स टू मेक हर सेल्फ और हिमसेल्फ हैप्पी, तो वो भी यस है, वो भी सुखी होना चाहता है। The other wants to make me happy, तो इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो कांड से है, इसलिए तीनों का मिक्स आंसर जो है क्वेश्चन मार्क लिखा है ना। तो ये जो चार क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इसमें से तीन का आंसर तो यस है, और ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है ना, ये मेरी इंटेंशन है, ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है ये दूसरे की भी इंटेंशन है ना। तो ये चार क्वेश्चन जो है इंटेंशन के बारे में है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में। अब चार क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, ये हमारी एबिलिटी के बारे में है। जैसे पहला क्वेश्चन है I am able to make myself always happy, मैं हमेशा अपने आप को सुखी कर पाता हूँ, है ना। अभी कर पाने वाली बात है, एबिलिटी की बात है। दूसरा है I am able to make the other always happy, मैं दूसरे को हमेशा सुखी कर पाता हूँ। तीसरा है the other is able to make herself or himself always happy, है ना, ये कर पाता है, दूसरा अपने आप को हमेशा सुखी कर पाता है या कर पाती है। चौथा है तो दूसरा मुझे हमेशा सुखी कर पाता है। तो इसको भी आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि इसके बारे में आपको क्या लगता है ना। इंटेंशन वाले क्वेश्चंस को आपने देखा, अब आप अपने एबिलिटी वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, क्या लगता है? मैं हमेशा अपने आप को सुखी कर पाता हूँ, हमेशा का मतलब कंटिन्यूअसली, तो मैं कंटिन्यूअसली अपने आप को सुखी रख पाता हूँ, एक मोमेंट के लिए भी जो है मैं परेशान नहीं होता। इसको भी देखिए, तो जब पहले का आंसर आप भर रहे हैं, या आप अपनी एबिलिटी के बारे में भर रहे हैं, या आप अपनी करंट स्टेट के बारे में भर रहे हैं, तो मैं आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। दूसरा लिखा है आई एम एबल टू मेक दी अदर ऑलवेज हैप्पी, इसको देखिए। तीसरा लिखा है दी अदर इज एबल टू मेक हरसेल्फ और हिमसेल्फ ऑलवेज हैप्पी, और चौथा लिखा दी अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, है ना। अब ये है कि हम कर पाते या नहीं कर पाते, मैं अपने आप को हमेशा सुखी कर पाता हूँ, मैं दूसरे को हमेशा सुखी कर पाता हूँ, दूसरा अपने आप को सुखी कर पाता है, दूसरा मुझे सुखी कर पाता है। इसको देखिए आप जरा, और एकदम इत्मीनान से भरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन के हिसाब से, और इसी में से बहुत सारी और बात निकलती है, जहां से हमको रिलेशनशिप की जो जड़ है ना वो पकड़ में आती है। मैं होप कर रहा हूँ कि चार आपको ठीक से क्लियर हो गए हैं। अब ये कर पाने की बात है, हमारी एबिलिटी की बात है, तो मैं सुखी अपने आप को हमेशा कर पाता हूँ, मैं दूसरे को हमेशा सुखी कर पाता हूँ, दूसरा अपने आप को हमेशा सुखी कर पाता है, दूसरा मुझे हमेशा सुखी कर पाता है ना। तो इसको देखिए आपको क्या लग रहा है, काफी लोग भर चुके हैं अभी तक, तो ठीक बात है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गए हैं, अगर आप पहले को देखें तो तीनों के आंसर मिक्स आ रहे हैं, तो यस भी है, नो भी है, कांड से भी है, तो तीनों का ही है, लेकिन नो वाला ज्यादा है, कांड से वाला भी है। तो क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को सुखी कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, इसके बारे में जब आप देखने जाते हैं तो ये बात ध्यान में आती है कि मैं हमेशा अपने आप को सुखी, तो तीनों का आंसर जो आ रहा है वो तो तीनों का मिक्स आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मैं हमेशा अपने आप को सुखी नहीं कर पाता। जब मैं अपने आप को हमेशा सुखी नहीं कर पाता तो क्या लगता है, मैं दूसरे को भी हमेशा सुखी कर पाऊंगा? उसको भी नहीं कर पाता, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। तो क्या दूसरा हमेशा अपने आप को सुखी कर पाता है? तो जब मैं नहीं कर पाता तो दूसरा कहाँ से कर पाएगा, है ना, वो तो मेरे से कम ही है। तो इसको भी हम देख सकते हैं, तो दूसरा भी नहीं कर पाता। क्या मैं अपने आप को, क्या दूसरा मुझे हमेशा सुखी कर पाता है?
इसको देखने जाए तो इस पे तो डबल क्वेश्चन मार्क है ना, हमको लगता है कि वो मुझे तो कभी है ना कभी नहीं कर पाता। तो ठीक से देखेंगे जो चार क्वेश्चन है बेसिकली ये हमारी एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है, ये हमारी कॉम्पिटेंस के बारे में क्वेश्चन है। और कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, वॉट यू रियली आर। इंटेंशन या नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, वॉट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू। तो वॉट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, तो ये चार क्वेश्चन का आंसर यस है। अभी चौथे पे हमको डाउट है कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता नहीं चाहता, मुझे यहाँ डाउट है। ये जो चार क्वेश्चन है ये मेरी एबिलिटी के बारे में है, ये मेरी कॉम्पिटेंस के बारे में है, ये मेरे व्हाट आई रियली एम इसके बारे में है, और इसका मतलब है डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन का समिशन। तो पूरा मेरे इमेजिनेशन जो है वो मेरा कॉम्पिटेंस है, जो भी मेरी इमेजिनेशन का कंटेंट है वो मेरा इमेजिनेशन है। तो चार क्वेश्चन को जब हम अपनी इंटेंशन से जोड़ के बारे में पूछने गए तो सबका आंसर यस आया, चौथे के ए में जो है क्वेश्चन मार्क आ रहा है। चार क्वेश्चन जो अपनी एबिलिटी के बारे में पूछे इन सब में जो है हमारा जो है क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, अगर आप इसको इवेल्युएट करने की डिफरेंस करें कोशिश करें तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इंटेंशन वाला पार्ट है, जो चाहने वाला पार्ट है, ये सभी का ठीक है, मेरा ही ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, दूसरा भी सुखी होना चाहता है, और दूसरे का भी ठीक है, दूसरा भी सुखी होना चाहता है, दूसरा भी सुखी करना चाहता है। लेकिन अभी हमको क्या लग रहा है कि वो हमें सुखी नहीं करना चाहता, या करना चाहता है तो मुझे नहीं पता। इसी 4A के क्वेश्चन पे जो टिक मार्क लिखा है ना, इसी का एक्सप्लोरेशन होना है बेसिकली। तो इंटेंशन को देखें तो इंटेंशन के चारों आंसर यस हैं एक्सेप्ट फॉर 4A। लेकिन अगर एबिलिटी के क्वेश्चंस के आंसर देखें तो हमारे को सब पे क्वेश्चन मार्क। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, जब हम अपने आप को देखते हैं तो अपने 1A और 2 के बारे में मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं सुखी करना चाहता हूँ, इन दोनों पे तो हमारा क्वेश्चन टिक है। लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं 3A में और 4A में, और उसके बारे में जब पूछते हैं कि वो सुखी होना चाहता है, इसके बारे में तो कह पाते हैं यस, पर क्या वो मुझे सुखी करना चाहता है, इसके बारे में मुझे लगता है नो, यह क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये क्वेश्चन मार्क इंटेंशन पे जो डाउट आ रहा है ये कैसे आया, ये ऐसे आता है कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने आप को हमेशा सुखी कर पाता हूँ तो नहीं कर पाता, मैं दूसरे को हमेशा सुखी कर पाता हूँ नहीं कर पाता, करने में तो मेरे भी कमी है, लेकिन मेरे जो करने में कमी है उससे मैं अपनी इंटेंशन पे कभी भी डाउट नहीं करता। मैं तो यही मानता हूं मैं सुखी होना चाहता हूं और करना भी चाहता हूं। लेकिन जब मैं दूसरे के करने को देखता हूं तो दूसरे के करने को देख के जब दूसरे के करने में मैं कमी को पाता हूं, वो कुछ गलती करता है, तो उसकी जो गलती को है वो उसकी इंटेंशन का इशू है या वो उसकी एबिलिटी का लैक है। तो बेसिकली क्या है कि जो उसकी कॉम्पिटेंस में कमी है, जो उसकी एबिलिटी में कमी है, वो उसकी एबिलिटी की कमी के कारण वो मुझे सुखी नहीं कर पाता, ना कि उसकी इंटेंशन का इशू है। हम क्या करते हैं, उसकी एबिलिटी में कमी को हम उसकी इंटेंशन पे कमी मान लेते हैं, इसके कारण ये डाउट हो जाता है। अगर हमें ये क्लियर हो जाए कि जो गलती हुई वो उसकी कॉम्पिटेंस की कमी थी, उसकी एबिलिटी की कमी थी, उसकी इंटेंशन की कमी नहीं थी। जैसे गलती तो मुझसे भी होती है, मैं हमेशा अपने को सुखी नहीं कर पाता, दूसरे को भी नहीं कर पाता, बट मैं अपनी इंटेंशन को कभी डाउट नहीं करता, तो दोनों पे ही क्वेश्चन टिक मार्क लगाता हूँ। लेकिन जब दूसरा गलती करता है तो मुझे उसकी गलती को देख के मुझे उसकी इंटेंशन पे डाउट हो जाता है कि वो मुझे सुखी नहीं करना चाहता, मुझे दुखी करना चाहता है। इसी को अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, जब मुझसे गिलास टूटता है तो मुझे ये लगता है कि मुझसे गिलास टूट गया, लेकिन वही गिलास जब दूसरे से टूटता है तो हमें लगता है कि इसने गिलास तोड़ दिया, है ना। ये ऐसा होता है नहीं होता, आप इसको देखिए, ये भाषा भी ऐसे बनाते हैं कि मुझसे गिलास टूट गया, ओह वेरी सॉरी, लेकिन जब दूसरे से गिलास टूटता है बोलता है कि उसने गिलास तोड़ दिया। तो तोड़ दिया का मतलब वो तोड़ना चाहता था, और टूट गया मतलब कि मैं तोड़ना नहीं चाहता था बट मुझसे टूट गया, मेरे से गलती हो गई। जब हमसे गलती होती है तो हम ये कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मैं करना नहीं चाहता था, ये करना नहीं चाहती थी। लेकिन जब दूसरे से गलती होती है तो हम क्या बोलते हैं, इसने गलती जानबूझ के की। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली है कि जब हम गलती करते हैं तो गलती जो करते हैं हमारी इंटेंशन का इशू है या हमारी कॉम्पिटेंस का इशू है, तो हमारी कॉम्पिटेंस का इशू है, हमारी कॉम्पिटेंस कम होती है इसलिए गलती हो जाती है। लेकिन हम अपनी इंटेंशन पे कभी भी डाउट नहीं करते कि मैं गलती करना चाहता था, मैं ये कंक्लूड नहीं करता। लेकिन जब दूसरा गलती करता है तो वो गलती जो करता है वो उसकी कॉम्पिटेंस का इशू है या वो उसकी इंटेंशन का इशू है, वो उसकी भी कॉम्पिटेंस का लैक है। लेकिन जब उसकी गलती को देखते हैं तो उसके लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को हम उसका लैक ऑफ इंटेंशन मान लेते हैं, हम ये कहते हैं ये तो गलती करना चाहता ही था,
है ना, तो इसीलिए हम भाषा भी ऐसी बनाते हैं कि उसकी इंटेंशन पे डाउट करके। जैसे मुझसे गिलास टूट गया, उसने गिलास तोड़ दिया, उसका फोन आया था, तो हम बोलते हैं कि तुम्हारा फोन तो आया था लेकिन मिस हो गया। लेकिन जब हम फोन करते हैं हम कहते हैं कि मैंने फोन तो किया था पर तुमने उठाया नहीं। उठाया नहीं का मतलब यह है कि देख तो रहा था फिर भी नहीं उठाया। लेकिन जब हम अपने को देखते हैं तब अपने बारे में हम यही कंक्लूड करते हैं कि मुझसे फोन मिस हो गया, भले ही मैं घर में कुछ और इंपॉर्टेंट काम करता, मैंने देख भी लिया लेकिन फिर भी होगा कि मुझे पता नहीं चला या मिस हो गया, क्योंकि मैं उठाना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं है बट मैं उठा नहीं पाया। लेकिन जब वो नहीं उठा पाता तो हम क्या बोलते हैं कि ये उठाया नहीं इसने, जैसे ये उठाना ही नहीं चाहता था। अपनी तो कॉम्पिटेंस में कमी को देखते हैं और उसको बोलते हैं कि मेरी कॉम्पिटेंस की कमी है, अपनी इंटेंशन पे डाउट नहीं करते। लेकिन जब दूसरे को देखते हैं, उसकी गलती को देखते हैं, तो उसकी गलती को, उसकी कॉम्पिटेंस की कमी को ना देख के हम उसकी इंटेंशन पे डाउट करने लग जाते हैं। जैसे मैं जब क्लास में लेट आता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं लेट हो गया, और जब दूसरा क्लास में लेट आता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये जानबूझ के लेट आया है ना। तो मैं जब लेट आता हूँ तो मैं उसके बहुत सारे रीजन बताता हूँ, सर ट्रैफिक था, सर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, ऑनलाइन हुए थे, डिस्कनेक्ट हो रहा था, है ना। हम कभी भी अपनी इंटेंशन पे डाउट नहीं करते। लेकिन जब हमारा स्टूडेंट क्लास में लेट आता है तो हम कई बार गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लेट क्यों आए, तुम सारी क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते थे। तो जब हम अपनी गलती करते हैं तो हम अपनी इंटेंशन पे डाउट नहीं करते, लेकिन जब हम दूसरे की गलती को देखते हैं तो उसकी गलती को देख के हम उसकी इंटेंशन पे डाउट कर लेते हैं। तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो अगर हम 100 बार भी गलती करें, आई नेवर डाउट माई इंटेंशन, मैं यही कंक्लूड करता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, आई मेक मिस्टेक्स बाय एक्सीडेंट, और मुझे यही फीलिंग आती रहती है कि मैं तो खास हूँ, मैं तो स्पेशल हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंशन बड़ी प्योर है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं सुखी करना चाहता हूँ, और मैं अपने अंदर यही रीइन्फोर्स करता रहता हूँ कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, आई एम ए गुड पर्सन। और इस कारण से ही कई बार मैं इतने सालों से गलतियां करता रहता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपने बारे में पहले से ही ये मानता हूँ कि मैं खास इंसान हूँ, आई एम स्पेशल पर्सन एंड आई एम गुड, आई नेवर डाउट माई इंटेंशन एंड आई मेक मिस्टेक्स ओनली एक्सीडेंटली। तो ये तो मेरा अपने बारे में निष्कर्ष होता है। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम दूसरे के बारे में देखें, दूसरा अगर एक बार भी गलती करे या थोड़ी बार भी गलती करे, दूसरा अगर एक बार भी गलती करे या कुछ बार भी गलती करे, तो मुझे उसकी इंटेंशन पर डाउट हो जाता है और मुझे लगता है ये तो जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करता है, इसने तो जानबूझ के गलती की, और मुझे फिर उसके प्रति अपोजिशन की फीलिंग आती है, इरिटेशन होती रहती है, एंग्री होते रहते हैं, और मैं यही रीइन्फोर्स करता रहता हूँ कि दूसरा बैड है और ये कभी इंप्रूव नहीं कर सकता। तो यही जो डाउट ऑन इंटेंशन है, दिस इज अ मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। ठीक से देखें तो आज के दिन प्रॉब्लम क्या है, आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि बैठे बैठे हमको डाउट हो जाता है कि हमें दुखी करना चाहता है। क्या लगता है ये जो गलती कर रहा है ये उसकी इंटेंशन का इशू है या उसका लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है? ये तो उसका लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है ना। क्या लगता है वो जानबूझ के गलती करना चाहता था या उससे गलती हो गई? जैसे हम जब गलती करते हैं तो अपने बारे में क्या फील करते हैं, कि मैं जानबूझ के गलती करना चाहता था या मुझसे हो गई? तो हम तो यही बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब दूसरे को देखते हैं तो क्या लगता है, वो जानबूझ के गलती करना चाहता था या उससे हो गई? उसके बारे में कई बार हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसने जानबूझ के गलती। तो ये जो बेसिकली अपनी गलती को जब हम देखते हैं तो अपने को लैक ऑफ कॉम्पिटेंस मानते हैं, लेकिन जब दूसरे की गलती होती है तो हम उसकी लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को लैक ऑफ इंटेंशन एज्यूम कर लेते हैं। ये जो दूसरे की इंटेंशन पे हमको डाउट हो जाता है ना, यही बेसिकली क्या है, विश्वास का अभाव है। अब ठीक से देखें, क्या लगता है गलतियां जो दूसरा कर रहा है वो गलतियां करना चाहता है या उसको सही का पता नहीं है? तो अगर ऑब्जर्व करने जाए तो गलतियां करना चाहता ऐसा नहीं है, लेकिन जितना समझ में आता है उतना करता है। सही समझ में आता तो सही करता है, गलत समझ में आता तो गलत करता है। चाह रहा है इसलिए गलती कर रहा ऐसा नहीं है, लेकिन सही का पता नहीं है। जैसे अगर मैं अपने आप को देखूं तो जब मैं गलती करता हूं तो क्या लगता है, मैं गलती करना चाहता हूं या मुझसे गलती हो जाती है? तो मुझसे गलती हो जाती है ना। इन्हीं बातों को जो है हमको ऑब्जर्व करके देखना है, इसी बात को एक्सप्लोर करके देखना है कि बेसिकली जब भी गलती होती है वो इंटेंशन का इशू है या कॉम्पिटेंस का इशू है ना। तो रिलेशनशिप में क्या लगता है, आई थिंक आई एम राइट एंड द अदर इज रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम, आई नो आई ऑल्सो रॉन्ग समटाइम्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम द अदर इज एट फॉल्ट। तो आप बेसिकली ना जितना ऑब्जेक्टिवली, जितना रैशनली इसको देखने की कोशिश करेंगे ना, उतना आपको ऑथेंटिक आंसर मिलेगा ना? तो ये अपने लिए देखना है कि बेसिकली अब जब मैं जीता हूँ परिवार में, कॉलेज में, सोसाइटी में, या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं,
उसके साथ आपका क्या फील होता है जब भी रिलेशनशिप में गलती हुई। ठीक बात है, काफी लोग ये देख पा रहे हैं कि वो भी गलत होते हैं, है ना, और कई बार हमको ये लगता था कि दूसरा ही फॉल्ट में है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी मैं अपने आप को इवैल्यूएट करता हूँ तो मैं अपनी इंटेंशन के बेसिस पे इवैल्यूएट करता हूँ, है ना, और अपनी इंटेंशन को मैं ठीक पाता हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, आई वॉन्ट टू मेक दी अदर हैप्पी, है ना। लेकिन जब मैं दूसरे को इवैल्यूएट करता हूँ तो मैं उसको उसकी इंटेंशन पे इवैल्यूएट करता हूँ या उसकी कॉम्पिटेंस पे इवैल्यूएट करता हूँ। तो जब मैं दूसरे को इवैल्यूएट करने जाता हूँ तो मैं उसकी उसकी कॉम्पिटेंस पे इवैल्यूएट करता हूँ, कॉम्पिटेंस में कमी पाता हूँ, तो जो कॉम्पिटेंस में कमी पाता हूँ तो उससे मैं उसकी इंटेंशन को कन्फ्यूज कर देता हूँ। तो जब वो कॉम्पिटेंस में गलती करता है, दी अदर इज एबल टू मेक मी हैप्पी ऑलवेज, तो यहाँ पे जब गलती होती है तो इस गलती को मैं उसकी इंटेंशन की कमी मान लेता हूँ। तो अच्छी बात है अगर आप इतना देख पा रहे हैं कि हम भी गलत होते हैं, है ना, कई बार दूसरा भी गलत होता है ना। और काफी लोग ये भी देख पा रहे हैं कि हमको ये लगता रहता है कि मैं ही ठीक हूँ, दूसरा गलत है। तो अच्छी बात है अगर हम इतना ऑनेस्ट देख पाए। तो होता क्या है, मैं दूसरे की कॉम्पिटेंस के लैक को उसका इंटेंशन का लैक मान लेता हूँ, एंड आई डाउट देयर इंटेंशन, एंड आई अज्यूम देयर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस टू बी देयर लैक ऑफ इंटेंशन, एंड आई फील अपोज टू दी अदर। तो जब मुझे किसी की इंटेंशन पे डाउट हो जाएगा, इसने जानबूझ के गलती की है, तो मुझको दुखी करना चाहता था, ये तो मेरी जड़ों में बैठा हुआ है ना, ऐसी हम भाषा बोलने लगते हैं। जब हम ये बोलते हैं ये तो मेरी जड़ों में बैठा हुआ है, क्या लगता है, उसके लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को देख रहे हैं या कहीं ना कहीं हम उसकी इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं। तो कितनी बार जब हम ये बोल रहे हैं कि ये तो मेरी जड़ों में ही आके बैठ गया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उसकी इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं, है ना। तो आई फील अपोज टू दी अदर, देन आई गेट इरिटेटेड, देन आई गेट एंग्री, है ना। और यही कारण है कि कई बार आई मे नॉट स्पीक टू दी अदर फॉर डेज और इवन ब्रेक अप द रिलेशनशिप, एंड वी कैन सी वन मे हैव लॉस्ट मेनी गुड फ्रेंड्स लाइक दिस। तो जो डाउट और इंटेंशन है, एक बार अगर हमको किसी रिलेशनशिप में डाउट हो जाए तो उस कारण से कई बार हम इतने इतने महीने साल बीत जाते हैं, हम उन रिलेशनशिप में इनिशिएट करके पैचअप नहीं करते। क्या लगता है क्यों नहीं करते, क्योंकि हमको डाउट हो गया कि मैंने जानबूझ के गलती की, है ना। तो ये जो डाउट है यही एक मेजर रीजन है प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। ठीक से देखने जाएं तो बेसिकली इशू क्या है, अगर इस इंटेंशन कॉम्पिटेंस को और ऑब्जेक्टिवली समझने का कोशिश करें तो क्या लगता है, ये जो तीसरे का ए है, द अदर वांट्स टू मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ हैप्पी, द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, ये कोई और बात है, ये वन और टू का ही रिफ्लेक्शन है। जैसे आप ये चार क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं अपने आप से, तो पहले दो के आंसर तो आपको टिक आ रहे हैं, दूसरे के बारे में दूसरा भी सुखी होना चाहता है इसका भी टिक आ रहा है, लेकिन दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है इस पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब अगर इस चारों क्वेश्चन को आप जो है वो पर्सन बदल लीजिए, अब आप तो, जी भैया कोई उदाहरण भी और दो कुछ इसका। जी 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 ठीक बात है। तो इसको जो है हम अपने परिवार में भी बार बार देखें तो क्या लगता है कि जैसे परिवार में जितनी भी गलतियां होती हैं तो क्या लगता है, परिवार के लोगों को देखने जाएं, हस्बैंड वाइफ को देखें, बच्चों के साथ देखें, बच्चे कुछ ना कुछ घर में करते हैं, है ना, तो क्या लगता है बच्चे जानबूझ के गलती करते हैं या सही समझ में नहीं आया, या जितना समझ में आया होता है उस हिसाब से गलती करते हैं। जैसे बच्चा बहुत सारा देखें बार बार, कई बार बैठा है छोटा बच्चा खेल रहा है ना, तो जो है कुछ कर देता है, खिलौना तोड़ देता है या कुछ हमारा सामान तोड़ देता है, तो क्या लगता है इंटेंशन का इशू है या कॉम्पिटेंस का इशू है। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस का इशू है ना। तो वहां पे तो हम ये देख पाते हैं कि इंटेंशन तो प्योर है, लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे बाथरूम करता है बच्चा छोटा, जब क्रॉल करता है हम उसको गोदी में उठाते हैं तो वो बाथरूम कर देता है ना, तो हमको गुस्सा नहीं आता। हमको क्यों गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम उस बच्चे की इंटेंशन की प्योरिटी को देख पाते हैं, हमको पता है कि इसने जानबूझ के बाथरूम नहीं किया, है ना। छोटा बच्चा है अभी, इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाता, उसके हिसाब से ठीक है, इंटेंशन की प्योरिटी देख पाते हैं। 5 साल का होए और बच्चा जो है आए और अगर बाथरूम कर दे, अपने कपड़े ही गीले कर दे, भले ही हमारे कपड़े गीला नहीं किया लेकिन गीला कर दिया, तो कई बार हमको गुस्सा आ जाता है। तो क्या लगता है गुस्सा क्यों आ जाता है हमको, तो कहीं हमको ये लगता है कि इसने हमारा काम बढ़ा दिया। तो जो उसने गलती कर दी तो क्या लगता है, उसने जानबूझ के गलती की या जो है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस था, वो कैलकुलेट नहीं कर पाया, उस कारण से गलती हो गई। इसी तरह से अगर परिवार में और सब भी एग्जांपल देखने जाएं, जैसे बहुत बार क्या होता है, छोटे छोटे देखिए बातें परिवार में हमेशा देखने जाएंगे ना, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, हमेशा छोटे छोटे मुद्दे होते हैं
और छोटे छोटे मुद्दों को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण बड़े बड़े मनमुटाव हो जाते हैं, और मनमुटाव यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि वो ब्रेकअप है ना, वो जगह बन जाती है। तो अगर सिंपल सिंपल चीजों को देखें, जैसे परिवार में जनरली बहुत सारे काम होते रहते हैं घरों में, है ना, सब लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं, घर की पार्टिसिपेशन, कई बार किसी से कुछ काम गलत होते रहते हैं। जैसे दूध को देखें, दूध उबलने का काम सुबह सुबह होता है, सुबह सुबह सब दूध लेकर आते हैं तो दूध उबलने का काम होता है, तो कोई ना कोई दूध उबालने की जिम्मेदारी लेता ही है, तो घर में ज्यादातर ये काम बुजुर्ग करते हैं, है ना। तो दूध जब उबालने रखते हैं तो कई बार बुजुर्गों का ध्यान नहीं रह पाता, तो वो दूध उनसे निकल जाता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम अपने आप को देखें, जब दूध निकल जाता है तो हम कैसा महसूस करते हैं? कई बार हमको गुस्सा आ जाता है कि ध्यान नहीं रखा तुमने, तुम इतना भी नहीं देख पाते, है ना। तो क्या लगता है, वो जानबूझ के दूध निकालना चाहता था या उनसे दूध छूट गया? अवेयरनेस का मुद्दा था, कॉम्पिटेंस का मुद्दा था। तो ठीक से देखें, अगर तो हमको डाउट होता है तो हमको लगता है कि इन्होंने जानबूझ के दूध निकाला, है ना, तो हम चीखने चिल्लाने लगेंगे। लेकिन ठीक से देखें, क्या लगता है, वो जानबूझ के उन्होंने गलती की या उनसे हो गई, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस था। तो बेसिकली अगर ठीक से देखने जाएं तो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस था, आंखें जो हैं वो दूध के सामने भी थी बट इमेजिनेशन में कुछ और चल रहा था, इस कारण से दूध जब उबला तो वो बाहर निकल गया पतीले से। ये इंटेंशन की क्लैरिटी, ये इंटेंशन का इशू था या ये कॉम्पिटेंस का लैक था? तो ये कॉम्पिटेंस का लैक था। लेकिन अगर हमको डाउट हो जाए कि ये तो दुखी करने के लिए जो है काम नहीं करना चाहते, ये जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, धीरे धीरे ये चाहते हैं कि ये जिम्मेदारियां हमारे से जो है विड्रॉ कर ली जाएं और हमें फ्री कर दिया जाए, कई बार क्या होता है हमारे अंदर ऐसा डाउट पैदा हो जाता है और ये डाउट हमारे अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो सारे ही काम गलत करते हैं, है ना, अब ये जिम्मेदारियां लेने को तैयार ही नहीं है और ये हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं, यहाँ तक भी हम सोचने लग जाते हैं। तो जब हम ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमको इंटेंशन पे ही डाउट हो रहा है। तो ठीक से देखें, क्या लगता है, वो दूध निकालना चाहते थे, दूध को वेस्ट करना चाहते थे? तो अगर दूध को वेस्ट करना चाहते थे तो फिर गैस पे ही रख के क्यों निकाला, तो नीचे से लाके डोलू से ही जोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं करते। तो इससे ये बात हमको समझ में आ सकती है, अगर हमारे को अपने परिवार के लोगों की इंटेंशन की क्लैरिटी है तो हमको समझ में आता है जानबूझ के गलतियां नहीं करते लोग, हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम अपने को भी देखें, अगर हम अपनी हिस्ट्री में भी देखें, हमने जितनी गलतियां करी, क्या लगता है हमने जानबूझ के गलतियां करी या हमें सही का पता नहीं था? अगर हम अपने बारे में ऑब्जर्व करें तो आज हम ये कह सकते हैं कि मैंने छोटी से छोटी गलतियां और बड़े से बड़े ब्लंडर भी करे हैं, तो वो जानबूझ के नहीं करे, जितना मुझे समझ में आया मैंने किया और जितना मुझे नहीं समझ में आया मैंने नहीं किया। वो बात अलग है कि जो मैंने माना वो मेरा मानना गलत था, तो वो मेरे अजम्पशन का प्रॉब्लम था, वो मेरा लैक ऑफ कॉम्पिटेंस था, बट मेरी इंटेंशन का इशू नहीं था। मेरी इंटेंशन तो पहले भी प्योर थी, मेरी इंटेंशन तो आज भी प्योर है और मेरी इंटेंशन तो आगे भी प्योर होगी। इसी तरह से जो मेरे पत्नी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, माँ बाप, ये इतने सालों से हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी अपब्रिंगिंग का काम कर रहे हैं, पहले हमें बड़ा किया, फिर हमारे को तैयार किया, हमारा करियर बनाया, फिर हमारे बच्चों को अब तैयार करते हैं, है ना, ये जो इतने सारे चीजें इतने सालों से वो एक अनकंडीशनल कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं, क्या लगता है इनमें जब आज के दिन जब ये गलतियां कर रहे हैं तो ये हमें दुखी होने के लिए कर रहे हैं? मैं कई बार देखता हूँ ये परिवारों में हम बहुत बात करते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो कुछ चीजों को उतना एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते जितना एफिशिएंसी के साथ वो अपनी यूथफुलनेस में करते थे। तो होता क्या, उतना अवेयरनेस नहीं रहता, हाथों की भी उतनी पकड़ नहीं रहती, ग्रिप नहीं रहती, तो चीजें होती रहती हैं, और बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके बाल भी जो है झड़ते रहते हैं। तो अगर माँ बाप माँ सब्जी बना रही है और हम खा रहे हैं अगर रोटी के साथ और उसमें कभी कई बार बाल निकल कर आ जाए तो कई बार बच्चों को बहुत गुस्सा आ जाता है कि भाई एक काम ठीक नहीं कर सकती ये माँ। तो क्या लगता है, वो हमको बाल दाल में डाल के खिलाना चाहती थी या बुजुर्ग हो गई है, बाल टूट गए, बाल ज्यादा टूटते हैं और बुजुर्ग हो गई है तो जो है अभी आंख भी उतनी एक्टिव नहीं है, तो अगर बाल चला जाए तो देख नहीं पाती, उसको निकाल नहीं पाती। क्या लगता है, ये इंटेंशन की कमी है, दुखी करना चाहती है इसलिए माँ बाल डालती है दाल में, या फिर जो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, अब उतनी एनर्जी नहीं है, उतना शरीर की ताकत नहीं है कि वो छोटी छोटी बात का ध्यान रख पाए। लेकिन अगर इतनी की क्लैरिटी हमें ना हो तो होता क्या है, यही छोटा सा बाल गिर जाए तो कुछ लोग तो ऐसे हैं वो घर में छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना शोर मचाते हैं, थालियां फेंकने लग जाते हैं, यहाँ तक की नौबत आ जाती है। अगर ठीक से अब हम ये बैठ के रिफ्लेक्ट करें तो हम ये पाएंगे, क्या लगता है ये जो परिवारों में इतनी मेहनत हो रही है सुबह से लेकर रात तक, तो लोगों की इंटेंशन की कमी है, हमको दुखी करना चाहते हैं इसीलिए लोग मेहनत कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं लैक ऑफ एबिलिटी है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, इस कारण से गलतियां हो जाती हैं लेकिन करना चाहते हैं ऐसा नहीं। तो
आप इस बात को भी ठीक से देखिए, और जिसके साथ भी आप ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली आपके साथ बैठे हैं, चाहे आप माइंड में देखिए उनके साथ, तो क्या लगता है ये जानबूझ के जब गलतियां कर रहे हैं, या जो है इन लैक ऑफ एबिलिटी के कारण गलतियां हो जाती हैं? चाहना में कमी नहीं है, इंटेंशन तो प्योर है, सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। आप इस बात को अपने अंदर देखिए, ताकि आप ये देख पाएं कि जब भी गलतियां हुई, या फिर हिस्ट्री में भी जितनी गलतियां हुई, पास्ट में भी जितनी गलतियां हुई, उन्होंने जानबूझ के नहीं की, उनसे हो गई, करना नहीं चाहते थे, चाहते तो हमारा सुखी थे, लेकिन हमको सुखी कर नहीं पाए। उसका एक बड़ा कारण यह है कि ये नहीं है कि इंटेंशन का इशू है, लैक ऑफ एबिलिटी है, और जो लैक ऑफ एबिलिटी है इसी कारण से वो खुद को भी नहीं सुखी कर पाते, हमें भी नहीं कर पाते, लेकिन चाहना में कमी है ऐसा नहीं। तो ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस की प्योरिटी है, ये जो इंटेंशन की प्योरिटी है, अगर हम इसके बारे में एक्सप्लोरेशन कर लें, तो हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के प्रति भी एश्योर्ड हो सकते हैं, और हम दूसरे की नेचुरल एक्सेप्टेंस और इंटेंशन के प्रति भी एश्योर्ड हो सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि गलतियां जानबूझ के नहीं कर रहे, उनसे हो जाती है। तो अगर ये इंटेंशन की क्लैरिटी ना हो, तो फिर डाउट भी कई बार मल्टीप्लाई होता रहता है ना, और ये डाउट इतना ज्यादा फैल जाता है, कि परिवारों में झगड़े हो जाते हैं। और कोई पिछले दिन तो मुझे बता रहा था कि आज के दिन हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जितने झगड़े चल रहे हैं, उसमें से 87% केस तो भाई भाई के हैं। तो क्या लगता है ये क्यों हो रहे हैं? तो एक बड़ा कारण है कि जीने के क्रम में किसी को, एक को दूसरे के प्रति डाउट हो गया, और डाउट हो गया वो डाउट मल्टीप्लाई कर गया, और डाउट इतना फैल जाता है कि जो है कोर्ट तक चला जाता है। लेकिन ठीक से देखें, कोर्ट तक चला जाता है, बंटवारा हो जाता है, ये पहले बंटवारा फिजिकल लेवल पे होता है या पहले मन बंटता है? जैसे अगर ठीक से देखें तो पहले घर बटेगा या पहले मन बटेगा? तो पहले बंटवारा तो मन का होता है। तो किसी एक छोटे से मुद्दे पे, मतलब अनशेयरेबल मुद्दे पे, कोई छोटे से मुद्दे पे जो है ना, ये मन बट जाता है। और एक बार मन बटने का मतलब है कि हमारे को दूसरे के प्रति डाउट हो गया, और वो डाउट हो गया, वो धीरे 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 10 साल में जाके जो है घर का बंटवारा हो जाता है, बीच में घर में दीवार आ जाती है। लोगों को समझ में आता है कि भाई भाई का बंटवारा हो गया, अब इन्होंने दीवार खींच ली, लेकिन ये बंटवारा आज नहीं हुआ, ये तो 10 साल पहले बंटवारा हो गया था, जब कभी देरानी जेठानी के बीच में रात को जब वो दूध बना के दे रही थी, तो जेठानी को ये डाउट हो गया था कि जो देरानी है जब ये दूध बनाती है तो ये अपने हस्बैंड के गिलास में ज्यादा मलाई डाल देती है और मेरे हस्बैंड के गिलास में मलाई नहीं डालती है। इतना ही जो डाउट अगर हो जाए, ये डाउट कहाँ जाके रुकेगा इसको कोई तय नहीं कर सकता, और 10 साल तक ये घर में ही संघर्ष चलता रहता है, और नौबत यहाँ आ जाती है कि बंटवारा हो जाता है। तो ये भाई भाई में भी हो रहा है, ये देरानी जुठानी में भी हो रहा है, और ये भाई बहन में भी हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है। तो ठीक से देखें, आज के दिन हम ये इंटेंशन को समझ भी पा रहे हैं? परिवार में देखने जाएं, क्या लगता है, हम एक दूसरे की इंटेंशन को लेके एश्योर्ड हैं, या छोटी छोटी बातों पे हमारे को गुस्सा आता रहता है, इरिटेशन आती रहती है, और हमको स्टेटमेंट बोलते रहते हैं कि ये पता नहीं क्यों हमको दुखी कर रहे हैं, मेरी जड़ों में बैठे हुए हैं, है ना, हमें दुखी करना चाहते हैं। ये सब बातों को हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे मुद्दों पे नुक्ताचीनी हो रही है, मन मुटाव हो रहा है, खींचतान हो रही है, क्या लगता है हम एक दूसरे की इंटेंशन को एक्सप्लोर भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसको भी समझना है। और फिर धीरे धीरे ये भी ध्यान में देने की कोशिश करें, हमको इंटेंशन की क्लैरिटी है, ये जो डाउट और इंटेंशन है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो है प्री कंडीशनिंग ही है। मैं सोच रहा हूँ भैया एक दो क्वेश्चन ले लें यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। या दस जी, या मतलब वो जो क्वेश्चन, दस मिनट पूरा कर देता हूँ जी। हाँ पूरा कर लो इस वाले पार्ट को। ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन जरूर लो, क्वेश्चन तो बहुत, और शाम को जरूर क्वेश्चन लो। जी, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जी। तो देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशनशिप में जो आज जीना है ना, इतना बड़ा एक पहाड़ जैसा काम हो गया है ना, इसमें बहुत सारे हम जो है रिजोल्व कर सकते हैं इश्यूज को, और इशू बहुत बड़े नहीं होते। कभी भी देखने जाएं, अगर आप देखिए कभी पंचायत भी करने जाएं, दो लोगों का झगड़ा हो गया, बैठ के देखने जाएं, तो अगर बैक ट्रैक करें ना, तो बैक ट्रैक का मतलब आपको ये समझ में आएगा कि डाउट हो गया था, दो लोगों में से किसी एक को डाउट हो गया था, और डाउट हो गया था, वो इतना फैला, वो इमेजिनेशन में इतना फैलता है, क्योंकि क्या है, हमारे सारे बिहेवियर का जो जड़ है वो तो हमारा इमेजिनेशन ही है। तो अगर इमेजिनेशन में जो है हमें इंटेंशन की क्लैरिटी नहीं है,
इमेजिनेशन में अगर हम दूसरे की नेचुरल एक्सेप्टेंस की क्लैरिटी नहीं है, उसकी इंटेंशन की प्योरिटी को, अपनी इंटेंशन की प्योरिटी को अगर हम नहीं देख पाते कंटिन्यूसली, तो हमारे अंदर बहुत सारी प्री कंडीशनिंग डंप कर सकते हैं। प्री कंडीशनिंग डंप करने का मतलब ये है कि जब हम परिवार में जी रहे होते हैं तो परिवार में जीने को देख के गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि परिवारों में हम गलतियां भी करते रहते हैं और सीखते भी रहते हैं एक दूसरे का, है ना, तो इम्प्रूव करते रहते हैं। वो जीने में जो गलतियां हो रही हैं वो बेसिकली एबिलिटी का इशू है, लैक ऑफ एबिलिटी है। और अगर हमारा एक्सप्लोरेशन एक्टिवेटेड नहीं है, अगर हमारा एक्सप्लोरेशन इंटेंस नहीं है, नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, तो होता क्या है, हम उस एबिलिटी की कमी को उसकी इंटेंशन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। तो जिसने गलती की उसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि ये तो गलती करना चाहता ही था, है ना, तो गलती करना चाहता था, ये डाउट है बेसिकली, ये एक तरह की प्री कंडीशन है। तो हमारी मान्यता बन जाती है कि ये तो मुझे दुखी करना चाहता है। जैसे हस्बैंड को जो है, फॉर एग्जांपल, हस्बैंड सुबह घर से बाहर निकले, कॉलेज जाने के लिए तैयार हुए, गाड़ी स्टार्ट की और उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि शाम को हमें एक फंक्शन में जाना, पार्टी में, और मैंने वो क्रीम कलर की शर्ट पहननी है और आप जो है उसका बटन टूट गया है और वो बटन जो है मैंने उसकी जेब में डाल के रख दिया, तो जब मैं शाम को आऊंगा तो वो बटन लगा के रखना, है ना। तो जो बटन लगा के रखना बोला, तो वाइफ ने बोला ठीक है। अब जैसी है वो पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने अपनी शर्ट निकाली और शर्ट जो जब निकाल के देखी उन्होंने, तो देखा कि वो बटन तो जो ऊपर का बटन था वो नहीं लगा, और वो बटन देखा उन्होंने जेब में रखा हुआ है। तो उनको इतना गुस्सा आ जाता, अपनी वाइफ को बुला के बोलते हैं कि पूरा दिन तुम करती क्या रहती हो घर पे बैठ के। तो ये जो बटन नहीं लगाना हुआ, तो क्या लगता है ये बटन नहीं लगाना चाहती थी या बटन नहीं लगा पाई, हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा हुआ, ये जो हमारा भाव खराब हुआ दूसरे के लिए, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो है लगाना नहीं चाहती थी। तो जब ये लगाना नहीं चाहती थी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उसकी इंटेंशन पे डाउट हो गया, और जब इंटेंशन पे डाउट हो गया तो हमारा भाव खराब हो जाता है, और जब हमारा भाव खराब होता है तो हमारा फिर एक्सप्रेशन खराब हो जाता है, और जब हमारा एक्सप्रेशन खराब होता है तो दूसरे का भी भाव खराब हो जाता है, और जब दूसरे का भाव खराब होता है तो जो है उसका भी पूरा इमेजिनेशन जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि जैसे हम भी एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे, अगर वो भी नहीं कर रहा तो उसका पूरा इमेजिनेशन डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, और अगर उसका इमेजिनेशन डिसऑर्गेनाइज होता है तो उसके बाद वो कितना आगे और मल्टीप्लाई करेगा ये तय नहीं हो पाता। तो ठीक से देखें, परिवारों में देखने चाहिए, ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जो इंटेंशन की क्लैरिटी ना होने के कारण फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, है ना। हस्बैंड वाइफ में देखें, सास ससुर में देखें, बच्चों के साथ देखें, कई बार क्या होता है माँ बच्चे खेल रहे हैं और माँ बाप को गुस्सा आ जाता है ना, कि भाई तुम हमको मानते नहीं हो, तुम हमको सुनते नहीं हो। क्लासरूम में भी देखें, क्लासरूम में भी हो जाता है, भाई क्लास पढ़ा रहे हैं और पीछे बेंच पे एक बच्चा बैठा है, और बैठा है वो सुन रहा है लेकिन उसका ध्यान इधर उधर भी जा रहा है, और कोई एक बात पे उसको हंसी आ जाती है, और जैसी उसको हंसी आती है तो साथ वाला भी हंसने लगता है, और उसकी हंसी को देख के कई बार टीचर इतना गुस्से में आ जाते हैं, इतना आग बबूले हो जाते हैं, और बच्चे को खड़ा करके इतना डांटते हैं, बोलते हैं तू हंसा क्यों, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी क्लास में हंसने की, तू मेरे को ये बता कि ये बोर्ड पे ऐसा मैं क्या समझा रही हूँ, समझा रहा हूँ जिसके कारण तुझे हंसी आई। तो क्या हुआ, टीचर को भी डाउट हो गया, टीचर को ये डाउट हो गया कि ये मेरे ऊपर हंस रहा है ना। लेकिन ठीक से देखें, अगर हम अपना एक्सप्लोरेशन करें तो ये समझ में आता है, भाई आज के दिन पहले तो लोगों को हंसी नहीं आती, तो कम से कम एक बच्चा तो ऐसा है जो कम से कम थोड़ा बहुत हंस तो रहा है, ये तो अपने आप में खुश होने की बात है। भाई बच्चे से पूछ लें भाई किस बात पे हंसी आ रही है, पहले हम भी 5-10 मिनट बैठ के हंस लेते हैं और फिर क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, बच्चा हंस रहा है इसको देख के हमको क्रोध आ जाता है। तो ये भी ठीक से देख लें, हमने अपने इमेजिनेशन को कितना समझने का काम किया, हमने अपनी इंटेंशन को, दूसरे की इंटेंशन को समझने का कितना काम किया, और यही पूरा दिन चलता रहता है, ये घर में भी चलता रहता है, ये कॉलेज में भी चलता रहता है, कई बार ये सब्जी मंडी में भी घटनाएं घटती रहती हैं, छोटी छोटी बात पे हमको गुस्सा आता रहता है। तो ठीक से देख लें हम कि हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को, इंटेंशन को समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। अब गाड़ी लगा रहे हैं, कई बार पड़ोसी ने हमारे घर के सामने गाड़ी लगा दी, कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पड़ोसी से लड़ पड़ते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है कि जो है ये हमको तंग करने के लिए बार बार गाड़ी आगे लगाता रहता है। ये मुद्दे देखेंगे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इसी के साथ इतने इंपॉर्टेंट रिलेशंस जहाँ पे हम सुखी हो सकते हैं, जहाँ पे हम सुखी होना चाहते भी हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बाद भी ये इंटेंशन की क्लैरिटी ना होने के कारण हम इतने इंपॉर्टेंट रिलेशंस में झगड़ा कर लेते हैं और परेशान होते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो आप ही देखिए ये इंटेंशन जैसी बात को हम समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। अगर क्लासरूम में भी देखने जाएं तो क्या लगता है,
बच्चा कई बार समझ नहीं पाता है ना, तो गुस्सा हो जाता है टीचर, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो क्या लगता है जब हम क्लास को पढ़ाते हैं तो बच्चा हमारी क्लास को समझना नहीं चाहता, हमारे सब्जेक्ट को, हमारे कंसेप्ट को समझना नहीं चाहता, या वो समझ नहीं पाता, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं? तो ठीक से देखें तो बहुत बार तो ये कंक्लूड करते हैं कि समझना नहीं चाहता। तो जब हम यही कंक्लूड कर रहे हैं समझना नहीं चाहता, तो हम आराम में रहेंगे, हम हमारे को उसके प्रति अपोजिशन की फीलिंग आ जाएगी, इरिटेशन होने लग जाएगी। तो जब भी हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये समझना नहीं चाहता, ये क्लास को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो हम इरिटेट हो जाएंगे, हमारे अंदर विरोध का भाव चलने लगेगा, है ना, हम गुस्से में आ जाएंगे। हम गुस्सा एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, तो अगर वो किसी पॉलिटिशियन का बेटा है तो हम एक्सप्रेस नहीं करते, गुस्से को पी जाते हैं। लेकिन अगर वो कोई ऐसा बच्चा है जिसको हम पर गुस्सा करना अफोर्ड कर सकते हैं तो हम अफोर्ड कर देते हैं। गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे ये गलत बात है, लेकिन अपने अंदर कुड़ रहे हैं या नहीं कुड़ रहे, अपने अपने अंदर खिंच रहे हैं नहीं खिंच रहे, इरिटेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि एक्सप्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फीलिंग का है। अगर हमारी फीलिंग खराब हो गई, अगर हमारा भाव बिगड़ गया किसी के प्रति, तो हमारा दुख तो तभी घटित होने लग जाता है, हम तो तभी दुखी होने लग जाते हैं। तो ये बात देख सकते हैं 24 घंटे में से कितना टाइम हम खिंच रहे हैं, कितना टाइम हम कुड़ रहे हैं, कितना टाइम हम इरिटेट हो रहे हैं, और कितना टाइम हम हार्मनी में, कितना टाइम हम परिवार के लोगों को लेके एश्योर्ड हैं, इस बात को महसूस करते रहते हैं इसकी कंटिन्यूटी में कि दूसरे मुझे सुखी करना चाहते हैं, वो मेरे सुख के लिए ही रात दिन से मेहनत करते हैं, मैं भी दूसरों को सुखी करना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट भी मुझे सुखी करना चाहते हैं, ये बॉस और एचओडी और ये कुलीग भी मुझे सुखी करना चाहते हैं। तो ये इंटेंशन की अगर क्लैरिटी हो जाए तो मुझे लगता है बहुत जो आज के दिन पहाड़ जैसी बिहेवियर की समस्याएं हो गई हैं, रिलेशनशिप में सुखी होने की समस्याएं हो गई हैं, ये रिजॉल्व हो सकती हैं। तो मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं आलोक भैया और फिर जो है आगे बढ़ा लेंगे। जितेंद्र भैया जी, भैया चैट में बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि दूसरे का अगर दूसरा अगर मेरे इंटेंशन पे डाउट कर रहा है तो उसको कैसे हम देखेंगे, एक बात। और दूसरी बात, कई सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि मतलब सामने वाले का अगर योग्यता नहीं है, सामने वाला गलती कर रहा है, तो संबंध को कैसे निर्वाह करेंगे? ठीक बात है। तो सामने वाला गलती कर रहा है ना, ये बात तो ठीक है। तो बस इतना इस बात में बार बार एक्सप्लोर करना है कि जब सामने वाला गलती कर रहा है तो क्या लगता है उससे गलती हो रही है या वो हमें दुखी करने के लिए कर रहा है ना, इस बात को हमने एक्सप्लोर करना है। यही हमारा एक्सप्लोरेशन है, यही हमारा असाइनमेंट भी है कि जब दूसरा गलती कर रहा है, जैसे सामने वाला, अगर हमने परिवार से देखें, पहले अपने स्पाउस के साथ देखें, हमारे स्पाउस के साथ देखें, हमने बच्चों के साथ देखें, अपने सास ससुर के साथ देखें, क्या लगता है वो गलती कर रहे हैं? क्या लगता है हमें दुखी करना चाहते हैं इसलिए गलती कर रहे हैं, या उनको ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा? इस बात को ही एक्सप्लोर करना है कि जानबूझ के गलती कर रहे हैं, इंटेंशन खराब है उनका, या इंटेंशन तो ठीक है लेकिन उनको आता नहीं है, वो कर नहीं पाते, करने जाते हैं तो कर नहीं पाते। तो इस बात का एक्सप्लोरेशन करना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए, दूसरे का इंटेंशन जो है ये कैसे समझें, है ना, इस बात के लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपना इंटेंशन को देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा, मैं अपने इंटेंशन की क्लैरिटी कंटिन्यूटी में रख पाता हूँ नहीं रख पाता, मैं अपनी इंटेंशन के प्रति एश्योर्ड हो पाता हूँ नहीं हो पाता। एक बार मैं अपनी इंटेंशन के प्रति एश्योर्ड हो जाता हूँ तो मैं दूसरे की इंटेंशन के प्रति भी एश्योर्ड हो जाता हूँ, मैं दूसरे की इंटेंशन को भी समझ पाता हूँ। अगर मैं अपने सेल्फ को देख पाता हूँ, अपनी इमेजिनेशन को देख पाता हूँ, अपनी इंटेंशन की प्योरिटी को देख पाता हूँ, तो फिर मैं दूसरे के सेल्फ को भी देख पाता हूँ, दूसरे के इमेजिनेशन को भी देख पाता हूँ, दूसरे के इमेजिनेशन के कंटेंट को भी देख पाता हूँ, और उसके इंटेंशन को भी देख पाता हूँ। इतना अगर मैं देख पाता हूँ और फिर अगर गलती होती है तो मुझे ये समझ में आता है कि इंटेंशन तो प्योर है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है। जिस तरह से मैं भी जब गलती करता हूँ ये मेरे इंटेंशन का इशू नहीं है, इसी तरह से जब दूसरा भी गलती करता है ये भी उसके इंटेंशन का इशू नहीं है, उसके कॉम्पिटेंस का इशू है। कॉम्पिटेंस मेरा भी कम है, कॉम्पिटेंस उसका भी कम है, लेकिन इंटेंशन प्योर है, इंटेंशन पवित्र है, इसकी मुझे श्योरिटी रहती है, इसके प्रति मैं श्योर रहता हूँ। वही तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई मेरे इंटेंशन पे डाउट कर रहा है तो हम क्या करें। वही ठीक बात है। तो एक तो आप अपने एश्योर, अपने जो इंटेंशन है उसके प्रति तो एश्योर्ड रहें कि आपकी इंटेंशन तो उसको सुखी करने की है ना, लेकिन जब आप दूसरे के साथ जीने जा रहे हैं है ना, तो आप जब जीने जाएंगे तो व्यवहार भी करेंगे, जिएंगे भी ना, तो आप दूसरा आपके इंटेंशन को जब देख रहा है और आपके इंटेंशन पे डाउट कर रहा है
तो इतना अगर आपको दिखाई दे, अगर आपका एक्सप्लोरेशन भी इंटेंस हो, अगर आप अपने एक्सप्लोरेशन के साथ ये देख पाए कि अगर वो आपके इंटेंशन पर डाउट कर रहा है, तो ये उसकी इंटेंशन का मुद्दा है, या वो आपकी इंटेंशन को समझ नहीं पा रहा, ये उसकी एबिलिटी का मुद्दा है। तो अगर वो आपकी इंटेंशन पर डाउट कर रहा है, तो ये बात पहले हमें समझ में आती है कि वो मेरी इंटेंशन को डाउट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी इंटेंशन को देख नहीं पा रहा। और अगर मेरी इंटेंशन को देख नहीं पा रहा, तो ये उसकी एबिलिटी का मुद्दा है, ये उसका लैक ऑफ इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन तो उसका ठीक ही है, लेकिन अभी उसका कॉम्पिटेंस इतना नहीं है कि वो मेरी इंटेंशन को भी देख पाए। अगर इतना मुझे समझ में आता है, तो फिर मैं उसके साथ संबंध में ठीक से जीता हुआ, एश्योरेंस के साथ जीता हुआ, उसको धीरे धीरे ये फैसिलिटेट करने का काम कर सकता हूँ, जिससे कि वो मेरी इंटेंशन को भी देख पाए। तो कैसे काम करूंगा उसके साथ? तो मैं अपने बिहेवियर से, अपने आप में मैं जिम्मेदारी से जीता हूँ, तो मेरे बिहेवियर से मैं उसको एश्योर करने का काम करता हूँ। और मेरे जीने से जब वो धीरे धीरे एश्योर्ड होता रहता है, तो वो धीरे धीरे समझता रहता है कि नहीं, इंटेंशन तो इनकी भी ठीक है, गलती दोनों से ही होती रहती है, मुझसे भी होती रहती है, उससे भी होती रहती है। तो अगर वो हमारी इंटेंशन को समझ नहीं पा रहा, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वो मुझे दुखी करना चाहता है या मुझे सुखी करना चाहता है? अगर वो मेरी इंटेंशन को नहीं देख पा रहा और मैंने ये निष्कर्ष निकाल लिया ये मुझे दुखी करना चाहता है, तो फिर मैं भी दुखी हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो मेरी इंटेंशन को नहीं देख पा रहा और मैं समझ पाता हूँ ये इसका लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, लैक ऑफ एबिलिटी है, तब मैं दुखी नहीं होऊंगा। और कैसे वो मेरी इंटेंशन को देख सके, उसके लिए जो फैसिलिटेशन करना, मैं रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हुए वो फैसिलिटेशन करता रहता हूँ। धीरे धीरे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो भी देखने लग जाता है कि नहीं, इनकी इंटेंशन भी ठीक है। जी, और कुछ चैट में देखें या फिर अभी और ले लें क्वेश्चन? सरोज बाला मैम है। सरोज बाला गुप्ता जी। जी मैम। जितेंद्र भैया। जी मैम। मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं, मुझे पता है कि मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर काम के लिए सही है जी, लेकिन जैसे कॉलेज में मैं हूँ, तो कॉलेज में जैसे दूसरे लोग हैं किसी कमेटी में, कोई गलत काम करने के लिए हमें फोर्स करते हैं जी, या जी, किसी ऐसे कागज पे साइन करने के लिए हमें मजबूर किया जाता है जो काम गलत है मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से जी, तो लेकिन वो करना पड़ता है ड्यू टू सम एनफोर्समेंट जी, तो जी, उसमें कैसे हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को कैसे बचाएं, और कैसे उसको, मतलब समझ नहीं आता कि वहां पर हम कैसे बिहेव करें जी। जी 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 भैया, देखिए ये सब समस्याएं तो देखिए हम लोग झेलते ही रहते हैं, है ना, जब हम जीते हैं, है ना। तो देखिए दो तरह की सिचुएशन है, एक तो सिचुएशन है कि जब इस तरह का क्राइसिस है तब हमको क्या करना है जी भैया, लेकिन ये क्राइसिस देखें तो ये महीने में कितनी बार आता है ना, इसको देख सकते हैं। तो अगर दो बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, तो उस क्राइसिस की स्टेज में क्या करना है, एक तो हमको उसको देखना होगा जी भैया, दूसरा हमको ये भी देखना होगा कि हमारा जो एक्सप्लोरेशन है उस एक्सप्लोरेशन का काम पूरा हो गया या नहीं हो गया। तो जैसे मुझे अपनी इंटेंशन के ऊपर जो भरोसा है वो कंटिन्यूटी में बना रहता है या नहीं बना रहता, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये भी देखना है कि जिन लोगों के साथ हम, ये कॉलेज का जो परिवार है, इस परिवार में जब हम कॉलेज के अंदर, है ना, इस टीचिंग का, एजुकेशन का काम कर रहे हैं और इसमें जो सारे लोग लगे हुए हैं, क्या इनकी इंटेंशन भी ठीक है या नहीं है, या इनकी इंटेंशन में कुछ फॉल्ट है, इसका भी हमको एक्सप्लोरेशन करना है। तो पहले हम अपने इंटेंशन के प्रति अश्योर हो जाते हैं, फिर उस एक्सप्लोरेशन को हम दूसरे लोगों के साथ भी जोड़ के देखते हैं, अपने परिवारों के लोगों के इंटेंशन को देखते हैं, फिर हम अपने कोलीग्स का देखते हैं, कॉलेज के पूरे लोगों का देखते हैं। तो एक्सप्लोरेशन का जब हम करने जाते हैं, तो हमको ये ध्यान में आता है कि इंटेंशन तो इनका भी ठीक है, लेकिन ये भी किसी ना किसी और फर्दर दबाव प्रभाव में जी रहे हैं। तो इनके ऊपर भी कॉलेज चलाने का प्रेशर हो सकता है, इनके ऊपर भी हो सकता है, चेयरमैन के ऊपर हो सकता है, कि यूनिवर्सिटी के हो सकता है, कि है ना, पूरे आगे का प्रेशर हो जी। ये समझ में आता है कि ये भी दबाव में जी रहे हैं या ये भी प्रभाव में जी रहे हैं, है ना। तो जो आदमी पहले ही दबाव में जी रहा है, तो उसका बिहेवियर हमारे साथ नॉर्मल होगा या अबनॉर्मल ही रहेगा? तो नॉर्मल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक उसने भी अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझा नहीं है, तो उस भी इस तरह की गलतियां करता ही रहेगा दबाव में, प्रभाव में, है ना। तो देखिए वो गलती तो तभी ठीक हो सकती है जब उसका भी एक्सप्लोरेशन या उसका भी ध्यान इस नेचुरल एक्सेप्टेंस पे चला जाए,
एजुकेशन के विजन पे चला जाए, एजुकेशन के विजन को पूरा कैसे करना है, इन बातों पे उसका भी ध्यान चला जाए जी, है ना? जी। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है उसको आप दो पार्ट में देखिए। एक तो ये है कि हमको ये एश्योरेंस अगर हो जाए ना कि इंटेंशन तो इन सब लोगों की भी प्योर है, चाहे मेरे एचओडी हैं चाहे मेरे कलीग्स हैं, लेकिन अभी दबाव में है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए गलत काम करने पर उतारू हो जाते हैं जी। तो अगर मुझे इतना दिखता है ना तो मैं एक संबंध का भाव अपनी तरफ से तो उनके प्रति हमेशा बनाए रखता हूँ, मेरे अंदर उनके प्रति इरिटेशन का कोई मौका नहीं आता। लेकिन भैया वहाँ संबंध का भाव खत्म हो जाता है जब वो लोग जो कमेटी के जो हायर स्टेटस पे लोग बैठे हैं वो अपना पल्ला झाड़ के जो लोअर स्टेटस पे लोग बैठे हैं उनके माथे में सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि इन्होंने सब कुछ किया है, क्योंकि साइन हम लोगों के उसमें हो जाते हैं। जी जी ठीक बात है। तो देखिए क्या है उसमें, तो देखिए समाज में फिर अखंड समाज बनाने की तरफ हम नहीं चल पाएंगे ना इस तरीके से। तो ठीक बात है, देखिए अभी अखंड वाली का कुछ अगर कर पाए अपन तो देखिए इमीडिएटली देखिए बोले इसमें कोई जो है क्विक फिक्स है ना, कोई हम जो है फेविकोल लगा दें उससे वो जोड़ चिपक जाए, ऐसा नहीं होगा। देखिए ये जो प्रोसेस है ना ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो अगर है ना फर्नीचर की प्लाई निकल गई है फेविकोल लगा दें चिपक जाए, है ना, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से देखिए हमारे समझने में एक लंबा समय लगता है ना, जैसे अभी हम बात सुन रहे हैं और हम देख पा रहे हैं हाँ मेरी इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन क्या होता है जब दूसरा गलतियां करता है ना तो हमें ये भी बार बार लगने लगता है कि ये तो जानबूझ के कर रहे हैं। इसी बात की क्लैरिटी होनी है कि ये भी जानबूझ के नहीं कर रहा, ये भी दबाव में है, लैक ऑफ एबिलिटी के कारण ऐसा कर रहा है जी। तो अब उसके ऊपर डोमिनेट करेंगे, उसका विरोध करेंगे, या कैसे उनके समझने में हम फैसिलिटेशन कर सकते हैं उसके काम को करेंगे। तो अगर देखिए ये सब जजमेंट लेनी पड़ेगी आपको ऐसे केस में। एक तो देखिए आपको भाव की क्लैरिटी हो जाए कि उनकी इंटेंशन प्योर है जी। फिर अगर देखेंगे कि आपको कोई ऐसा ही काम करने जा रहे हैं जिससे कि भविष्य में कुछ बच्चों का करियर खराब हो सकता है तो आप स्टैंड भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप स्टैंड लेने जाएंगे तो संबंध पूर्वक उनसे बात रखेंगे या नहीं रखेंगे, या उनसे विरोध उनका विरोध करेंगे जी। ये तय करने का मुद्दा है। तो संबंध के साथ आप बात तब रख पाएंगे जब आपको उनकी इंटेंशन की प्योरिटी दिखाई देगी और आपको ये दिखाई देगा कि ठीक है अभी अजम्पशन इनका गलत हो गया इसलिए इस तरह के काम करने में लगे हुए हैं। उसी आदमी का अजम्पशन जब ठीक हो जाता है तो वो ठीक भी कर सकता है ना जी। तो संबंध की क्लैरिटी रखते हुए, इंटेंशन की क्लैरिटी रखते हुए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है उसके साथ, उसके लिए उनके साथ संबंध पूर्वक बात की जा सकती है और फिर बात करने के साथ साथ उनके लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर देखिए वो उस तरह से कोई छोटा मोटा करने को कह रहे हैं तो आप उनको इतना तो क्लियर कर सकते हैं कि सर डिसीजन आपका है लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप इसको भी इवैल्यूएट कीजिए, इससे लॉन्ग टर्म में ज्यादा डैमेज होगा। सर एक बार दो ऐसी एक बार जी उनसे बात भी की गई कि ये काम गलत है, उसे बहुत अच्छे से बहुत संबंध के भाव से ही उनसे बात की गई कि ये काम गलत है तो इसको नहीं करना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस समय ये आश्वासन दिया गया कि आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आप तो साइन कर दीजिए जी। लेकिन जी। बाद में जब वो मैटर पब्लिसाइज हुआ या कोई भी बात ऐसी हुई तो उस समय वो अपनी जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे उन्होंने अपना अपने आप को सबसाइड कर लिया और जो जो लोएस्ट लेवल की कमेटी थी जो हम लोग थे हम लोगों के नाम ऐसा नहीं है, ये घर में भी डाउट होता रहता है ना। अभी तो देखिए घर में भी क्या है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को भी देखें तो वो क्या है बहुत सारा डाउट के साथ ही चलते रहते हैं। जैसे एक दूसरे के फोन पे जो है उन्होंने अपने अपने फोन पे पासवर्ड लगा रखे होते हैं, तो अगर एक आदमी दूसरे के आदमी को फोन उठाने लग जाए तो उसको जो है वहां पे भी डाउट हो जाता है कि मेरा फोन ना उठा ले, और अगर फोन उठा लिया तो ये फोन को खोल ना ले। तो बेसिकली क्या है डाउट का मैनिफेस्टेशन घर में भी हो रहा है कॉलेज में भी हो रहा है ना। तो इसी के लिए देखिए ये जो बातें हम कर रहे हैं ना इन पे काम करना ऑल दी मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। जब तक क्या है हम फिजिकल फैसिलिटी से गाइडेड होते रहेंगे, जब तक शिक्षा का मकसद शिक्षा का विजन क्लियर नहीं होगा कॉलेज में भी, तब तक क्या है बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करते रहेंगे और पैसा कमाने अगर नौकरी के लिए तैयार करना जीने का कार्यक्रम रहेगा तो ये चलता रहेगा है ना। इसीलिए ये बात ध्यान में आती है कि ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज के बिना जब हम सिस्टम को चलाने जाएंगे ना तो वो सिस्टम में ये लगा ही रहेगा खींचतान। तो इतना कर सकते हैं कि हम अपनी समझ को तो डेवलप करने का काम करें और धीरे धीरे बाकी लोग भी जो हैं
इस बात की इम्पोर्टेंस को, इस बात की है ना प्रायोरिटी को देख पाए, उनके लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं उनका, उस पे हमको जो है ना विचार करना होता है। तो समय तो लगेगा, देखिए ओवरनाइट ठीक नहीं होगा, क्योंकि ओवरनाइट खराब भी नहीं हुआ है ना, समय लगा इसमें। इट इज बिटर ट्रूथ, यस या बट इतना दिखे कि गलतियां जानबूझ के नहीं हो रही हैं, इतना है कि अभी उनको समझ नहीं आया इस कारण से गलतियां हो रही हैं। इंटेंशन की मुद्दा नहीं है, इंटेंशन प्योर है, ये एक्सप्लोरेशन हो। जी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। प्रशांत जी, प्रशांत दुबे जी, शशांक जी आप अनम्यूट करके, शालिनी जी का अनम्यूट हो गया। जी सर, मैं शालिनी भार्गव, डॉक्टर शालिनी भार्गव फ्रॉम आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में डिफरेंस कैसे निकालें, और क्या ये हम हमेशा अज्यूम कर लें कि कॉम्पिटेंस है जो लोगों में से गलती कराती है। ठीक बात है, देखिए यही काम है, कब तक का जो बात है ये यही काम है कि हम एक तो जो है कम से कम एक्सप्लोरेशन को शुरू करने के हिसाब से देखें, तो पहले तो हम अपनी इंटेंशन के प्रति अश्योर्ड हो जाएं। हम ये देखें कि हमारी इंटेंशन एक अलग बात है, और उस इंटेंशन के साथ जब हम जीने जाते हैं तो कर पाते हैं नहीं कर पाते ये एक अलग बात है। तो करना नहीं करना या कर पाना नहीं कर पाना ये एबिलिटी का कॉम्पिटेंस का मुद्दा है। इंटेंशन बाय डिजाइन प्योर है, इंटेंशन बाय डिजाइन जो है वो ठीक है ना। एक बार अपने बारे में अगर ये क्लैरिटी हो जाती है ना, फिर हमको दूसरे के बारे में भी क्लैरिटी हो पाती है। जैसे आप ये कैसे कंक्लूड करते हैं कि दूसरे आदमी को भूख लगती है, आप ये कैसे कर पाते हैं? आप एक एक स्टमक का तो खोल कर देखते नहीं है कि भाई पेट खाली है, हम कैसे कंक्लूड करते हैं हमको भूख लगती है ना? इसके बेसिस पे मैं ये कंक्लूड कर पाता हूँ सभी को लगती है, यही तो साइंस है ना। हम ये कैसे कंक्लूड करते हैं एक आदमी भूखा होता है, एक एक आदमी को भूख लगती है? हम ऐसे ही कंक्लूड करते हैं, हम अपनी भूख को देखते हैं और हम ये कंक्लूड कर पाते हैं सभी के लिए कि सभी को लगती है। इसी तरह से जब मैं अपने इंटेंशन को देख पाता हूँ, जितना जितना प्रिसिशन के साथ, जितना जितना ऑथेंटिसिटी के साथ मैं अपनी इंटेंशन को देख पाता हूँ, मैं ये भी देख पाता हूँ कि दूसरे की इंटेंशन भी एग्जैक्टली वैसे ही है ना। पर सर एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि लाइफ, ये तो चलिए नेचुरल चीजें हैं, पर लाइफ में क्या है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हम लोगों को इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में जज करने की कोशिश करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उन सिचुएशंस में हम क्या करें जब मतलब हमको शक हो जाता है दूसरे की इंटेंशन पे? भाई देखिए क्या है, वो शक हो रहा है उसका मतलब ये है कि जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये जो इमेजिनेशन है ना, बेसिकली इसमें जो डाउट हो रहा है ये कहीं ना कहीं जो इसका गाइडिंग फैक्टर है वो तो प्री कंडीशनिंग है। तो क्या है, जब हम लोगों के जीने को देखते हैं और जीने में जब कुछ कमियां पाते हैं तो कमियां जो हैं वो उनकी एबिलिटी में, वो कर नहीं पाए, कुछ एक्सपेक्टेशन थी वो कर नहीं पाया। ये जो कर नहीं पाया, अगर हमारा एक्सप्लोरेशन ना हो तो हम ये कंक्लूड कर ले जाते हैं कि ये करना नहीं चाहता था। तो ये जो करना नहीं चाहता था ये रियलिटी का एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस का, इंटेंशन का एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्री कंडीशनिंग है। तो बेसिकली क्या है, हम भी कहीं ना कहीं अभी प्री कंडीशनिंग से ही गाइडेड होते रहते हैं और डाउट करते रहते हैं। आप जो करना, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सेशन है, बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं जब आपकी बातें सुनते हैं, तो वही मतलब क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि कई बार हमको लगता है कि इंटेंशन होते तो है लोगों में, ऐसी बात तो नहीं है कि इंटेंशन कभी नहीं होते लोगों में, तो वही बात बार बार दिमाग में आती है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये करना चाहता था जानबूझ के भी, हम ऐसा मन में आते हैं विचार, तो नहीं आने चाहिए हमारे इस तरह के विचार हमारे मन में। नहीं आने चाहिए विचार है ना, इसको आप मत सोचें, क्योंकि ये तो फिर एक तरह का है ना और कंडीशन लगा दिया आपने, आ रहा है आप इसको भी देख पाए ये आ रहा है, लेकिन हम इसको एक्सप्लोर भी कर पाए कि ये जो हम डाउट कर रहे हैं ये बेसिकली उनके जीने में गलती को देख रहे हैं है ना, और जीने में गलती को हम उसकी इंटेंशन से कंफ्यूज कर जाते हैं। इतनी सी बात है, जैसे हमने किसी फ्रेंड के साथ कुछ कमिटमेंट किया या उसने हमारे साथ कमिटमेंट किया कि हम सुबह जो है संडे के दिन 10 बजे बस स्टैंड पे मिलेंगे और चंडीगढ़ जाएंगे। अब वो पता लगा कि वो पहुंचा ही नहीं,
तो हमको ऐसा लगा कि ये तो दुखी करना चाहता था, मुझे आया नहीं। लेकिन ठीक से देखें, आना नहीं चाहता था ऐसा नहीं है, हमने कहीं ना कहीं उसकी कॉम्पिटेंस को इवेलुएट नहीं कर पाए ठीक से, है ना, कि वो जब संडे के दिन उठता ही 11 बजे है तो वो 10 बजे कैसे बस स्टैंड पे पहुंचेगा। तो कॉम्पिटेंस को भी अगर हम ठीक ठीक इवेलुएट नहीं कर पाते ना, तो जो है हम इंटेंशन को भी ठीक ठीक इवेलुएट नहीं कर पाते। तो हमने कॉम्पिटेंस को भी देखना है और इंटेंशन को भी देखना है, और फिर ये निष्कर्ष निकालना है कि ये कॉम्पिटेंस में कमी है और कहाँ कमी है। और ये भी दिखेगा कि ये इंटेंशन का इशू नहीं है, इंटेंशन तो उसकी मेरे साथ सुखपूर्वक जीने की ही है, लेकिन अभी इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो मेरे साथ सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए, है ना। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाए, ये उसकी लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, ये इंटेंशन नहीं है, इसी का एक्सप्लोरेशन होना है। मनिंदर सर, मनिंदर जी हैं, मनिंदर कौर मनिंदर मैम हैं जी, पंजाब में जो आप नाम है ना वो कौर और सिंह है, तो उनके हिसाब से जी मनिंदर मैम है गुरु नानक इंस्टीट्यूट। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है सर? जी मैम आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, थैंक यू सर। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी एक बड़ा इम्प्रेसिव सेशन के लिए, जो आपने हमारे दिल के और दिमाग के अंदर से जो आपने विचार निकाले हैं। एक्चुअली क्या ये सब हमें मालूम होता है, बट हम सिर्फ इसको पहचान नहीं पाते हैं एक और या दूसरे रीजन की वजह से। पर एक क्वेश्चन जो शायद पीछे चैट में भी आया, आपने शायद मिस करा सर, उसी वही मेरा क्वेश्चन है कि वर्किंग में जब हम ऑफिस सिनेरियो में इतने सारे हर तरह के प्रवृत्ति के बंदों के साथ डील कर रहे होते हैं, तो उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनको दे आर वेरी एक्सपर्ट कि अपने वर्ड्स को कैसे घुमा के हमने दूसरे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और उन्होंने अपनी कभी गलती नहीं मानी क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, इस करके उन्होंने उसमें से कोई ना कोई लूप होल डाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी खामियों की दूसरों पर डाल दी। इस तरह का जो विचार रखने वाले हैं उनके साथ मतलब एज अ सीनियर पीपल उनको कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम इश्यू करने से या डांटने से वो हल नहीं होती कभी भी, इंफॉर्मेशन इग्नोर करना भी हर बार वो नहीं इम्पॉसिबल होगा क्योंकि काम तो हमने उन्हीं से लिया है। जी जी जी, वही हमारी स्ट्रेंथ है, वही हमारी एसेट है जी, जो हमारे जी, पास है हमने उसी के साथ ही चलना है, उन्हीं के साथ हर टाइम कॉम्प्रोमाइज, हर टाइम इग्नोर, ये वर्ड्स नहीं चलते। सिर्फ उनके साथ डील कैसे करना है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर अगर अपना विचार डाल। जी मैम बिल्कुल ठीक बात है, देखिए ये चैलेंज तो है, और आज तो जो है ऑर्गेनाइजेशंस के हालात ये हैं कि जो है 20% लोग ही जो है वो संस्था को चला रहे होते हैं, और 80% जो लोग हैं वो तो मुश्किल से 10-12% ही 20% ही काम कर रहे होते हैं ना। ये चैलेंज तो है ना, तो ये चैलेंज के साथ कैसे निपटे, तो दो लेवल पे ही मैम वर्किंग करनी है। एक तो इंटेंशन की को समझने की बात है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग का इशू हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। एक तो इंटेंशन के प्रति एश्योरेंस होना है, एक कॉम्पिटेंस का इवेल्युएशन होना है। दोनों अगर हमने किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना है, अगर चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, चाहे बच्चों के साथ रिलेशन है, या कॉलेज में कुछ रिलेशन है, या कोई भी रिलेशन है, किसी भी रिलेशनशिप का अगर कोई प्रोग्राम है, अगर वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होना है, तो दोनों की क्लैरिटी जरूरी है, इंटेंशन की क्लैरिटी भी जरूरी है और कॉम्पिटेंस होना भी जरूरी है, तभी वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। अभी क्या है, अगर हम इंटेंशन की क्लैरिटी को देखें तो कई बार क्या होता है, ज्यादा टाइम तो हमको इंटेंशन पे ही डाउट होता रहता है, तो जब हमको इंटेंशन पे डाउट होता रहता है तो हम या तो खिंचते रहते हैं, या हम कुड़ते रहते हैं, या हम अवॉइड करते रहते हैं, या हम चिल्लाते रहते हैं, है ना। तो ये अगर दिख जाए कि इंटेंशन तो ये जो लोग हैं इनकी भी ठीक है, ये भी सुखी होना चाहते हैं, ये भी सुखी करना चाहते हैं, लेकिन इनका अभ्यास बहुत सारा, इनकी प्रैक्टिस बहुत सारी खराब हो गई है, इनकी प्री कंडीशनिंग जो है उसमें इस तरह के संस्कार बैठ गए हैं, है ना, इस कारण से इस तरह की गलतियां करते रहते हैं और रिपीटेडली गलतियां करते रहते हैं। लेकिन डीप डाउन ये भी सुखी होना चाहते हैं, नहीं चाहते तो सुखी होना तो ये चाहते हैं, है ना। लेकिन सुख क्या है, सुख की कंटिन्यूटी कैसे होगी, इसकी क्लैरिटी नहीं है, तो ये समझ का मुद्दा है सर। मुझे तो ये लगता है, सॉरी मुझे तो ये लगता है उनका सुख इसमें है कि हमको काम ही ना करना पड़े भाई, तो इसको ना काम करेंगे ना करने देंगे, मतलब कुछ कुछ भी लोग की, मैं सबके नहीं बोलती, 80% में मैक्सिमम है जी उनका, मतलब जो उनका काम ये, क्योंकि काम नहीं है तो उनका काम है पॉलिटिक्स खेलना,
भाई देख इसमें भी देख सकते हैं कि जब ये सब ये कर रहे हैं तो क्या लगता है, ये आराम में होते हैं या कहीं ना कहीं परेशान आदमी ये सब कर रहा होता है ना? तो ठीक से देखें, हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत आराम में है। जैसे अगर कोई आदमी बैक बाइटिंग कर रहा है, कोई आदमी जो है छल कपट कर रहा है, तो ऐसा है ये आराम में है या कहीं ना कहीं परेशान है इसलिए ये सब करता रहता है, अपने अपने सीधे सीधे काम को, जिम्मेवारी को नहीं देख पाता। तो ये इतना समझना जरूरी है एक्सप्लोरेशन के लिए, ताकि हम आराम में आए। अगर मुझे इंटेंशन की क्लैरिटी हो जाए ना कि ये सुखी होना तो चाहता है, ये सुखी भी करना चाहता है, लेकिन ये जो कर नहीं पाता, ये इसका लैक है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है। जैसे देखिए, सारा दिन कॉलेज में करता रहता है या घर में भी करता रहता है, इसको भी समझना जरूरी है। सभी लोगों के साथ झूठ बोलता है या कुछ लोगों के साथ झूठ नहीं भी बोलता, तो इसका मतलब इतना है कि कुछ लोगों के साथ तो ये रिलेशन निभा पा रहा है, लेकिन अभी ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन निभा पाए या सभी लोगों के साथ रिलेशन निभा पाए ऐसी इसकी कॉम्पिटेंस नहीं है, है ना? कुछ काम तो कर ही रहा है, लेकिन बहुत सारे जो करने लायक काम है वो नहीं कर रहा। तो काम भी कैसे करना है इसकी भी क्लैरिटी नहीं है, कि सारा का सारा जो है ना कहीं एबिलिटी की मुद्दा है, एबिलिटी को डेवलप नहीं कर पाया और जिम्मेवारी की जगह पे आगे बैठ गया। इसमें देखिए कहीं ना कहीं हमारा भी एक रोल ये है कि जब हम भी उस तरह से टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इंटेंशन को तो हम देख ही पाए कि इंटेंशन सभी की ठीक है, लेकिन हम कॉम्पिटेंस का भी इवेल्युएशन कर पाए कि जिस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना है उसके लिए रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस क्या है। अगर वो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस होगा तो ही वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, अगर वो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस नहीं होगा तो क्या है, कहीं ना कहीं जब हम सिलेक्शन भी करते हैं ना तो सिलेक्शन में भी हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत बायस्ड हो जाता है, बहुत छोटा होता है। तो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट तो एक हमारा भी रहता है कि जब हम सिलेक्शन करने जाते हैं तो बहुत ही नैरो क्राइटेरिया के साथ हम सिलेक्शन करने जाते हैं। तो कॉम्पिटेंस का इवेल्युएशन भी कर पाना ये भी एक जरूरी है इंटेंशन के साथ साथ, लेकिन इतना दिखना जरूरी है, प्री रिक्विजिट है कि इंटेंशन प्योर है या नहीं प्योर है, उसको समझे। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, बट प्रॉब्लम पता है क्या आ जाती है, बेसिकली सीनियर पोजीशंस पे होके ये आ जाती है, हम इनको इवेल्युएट करें, इनकी कॉम्पिटेंसी देखें, काम करें या इनको रोके, बिकॉज इनका मेन टारगेट क्या होता है, खाली बैठे हुए हम जंप करके सीनियर से कैसे हम अच्छे रिलेशन बना लें। ठीक बात है, तो कर लें। तो देखिए क्या है, अब हम काम करते रह जाएंगे या इनको संभालते रह जाएंगे? हाँ नहीं भाई, देखिए क्या है, दोनों बातें हैं। कम से कम हम अगर अपने एक्सप्लोरेशन पे काम कर लें, अगर हम अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग पे काम कर लें, तो इतना तो दिख जाएगा कि ये सब लोग सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन सुखी होने का इनको रास्ता नहीं पता, सुखी करने का इनको रास्ता नहीं पता, तरीका नहीं पता, कॉम्पिटेंस नहीं है। तो कम से कम हमारा कुड़ना तो बंद हो जाता है, फिर इनके लिए क्या प्रोग्राम बनाना है हम उस प्रोग्राम को भी इवेल्युएट कर पाते हैं, इनको किस तरह से हमने डेवलप करना है ना, क्या इनके डेवलपमेंट के स्टेप्स होंगे हम इसको भी वर्कआउट कर पाते हैं। तो थोड़ा सा देखिए और कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट तो है ही, अभी हमको भी थोड़ा और है ना बार बार देखना है, अपने अंदर एक्सप्लोर करना है, तो धीरे धीरे हम और काम कर पाएंगे तो ये देख पाएंगे। इंटेंशन वाइज तो ये लोग भी ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है इसलिए गलतियां ज्यादा करते रहते हैं, है ना? बट ठीक है, अभी थोड़ा और मैम आगे चल के है ना समय भी और इसमें लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।